ओके लेट्स स्टार्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू यू वर्सेस यू एपिसोड 12। ये एपिसोड 12 है और आज का नंबर 12 आज के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो गेस्ट है हमारे साथ आज के, वो 12वीं कक्षा के ही छात्र हैं और इनका लकी नंबर भी 21 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना कार्तिक? यस मैम, यस मैम। मेरा तो जर्सी 12 नंबर है नंबर, कार्तिक 21। वेरी नाइस। मेरा तो जर्सी आज का, नंबर है कार्तिक 21। अच्छा, ग्रेट। तो आज के जो दो दो डिजिट्स रहेंगे वो रहेंगे 1 और 2, और हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। ये है कार्तिक जोशी, जैसे मैंने बताया आपको, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी। कार्तिक जोशी जितने छोटे हैं पर उतने ही बड़े इनके ख्वाब हैं। ये इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में, महज 18 साल की उम्र में इतिहास रचा, और इतिहास रचने से मैं और डिटेल में बताना चाहूंगी कि इन्होंने द लास्ट मैन स्टैंड्स इंडिया, जो इंडिया में पहली बार जनवरी 2020 में हुआ था इवेंट, इसमें इन्होंने पहली पहला स्थान हासिल किया। और ये एक बोलने वाली बात है कि इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है, पर जब मैं आपको बताऊंगी इस इवेंट के बारे में कि ये होता क्या है, तब आप और डिटेल में जानेंगे कि कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा इसके लिए, क्योंकि ये अभी बच्चा है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क और मेहनत चाहिए होती है उस मुकाम तक इतनी छोटी सी उम्र में पहुंचने के लिए। तो पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कि लास्ट मैन स्टैंड इंडिया इंडिया था क्या। तो ये इवेंट होता है इंडिया में, होता क्या है, पहली बार जनवरी में हुआ था, जिसमें कार्तिक ने 39 आवर्स कंटिन्यूस रनिंग किया था, जिसके अंदर एक क्राइटेरिया था कि आप को स्टार्ट स्टार्टिंग में एक बेल बजेगी, तो 1 घंटे के अंदर करीबन 4 माइल्स आई थिंक कंप्लीट करने होते हैं, 6.5 किलोमीटर्स, और उस ये रिपीट होता रहता है कि 1-1 घंटे में आपको इतना करना है, और ऐसे ही रेस चलती रहती है आगे। तो 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, जितने भी ऐसे लोग क्विट करते जाते हैं धीरे धीरे जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें जितनी सहनशीलता होती है। और इसके अंदर कार्तिक ने कार्तिक एक ऐसा इंसान था जो लास्ट तक टिका था, और उसने ये जो क्राउन था लास्ट मैन स्टैंड इंडिया का, वो हासिल किया था इंडिया के लिए, और इसको बहुत गोल्डन टिकट मिला था यूएस में रिप्रेजेंट करने का इंडिया को, जिसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको कार्तिक, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां पे भी प्रथम स्थान हासिल किया। अभी हाल ही में इन्होंने एक वर्चुअल इवेंट हुआ था जो बाहर होने वाला था यूएस में, बट कोविड की वजह से वो वर्चुअल इवेंट हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये तो रहा कार्तिक के बारे में, जिन्होंने सिर्फ एक यही इवेंट नहीं बल्कि सारे इवेंट्स जिन्होंने अल्ट्रा रनिंग में किए हैं उसमें पोडियम फिनिश किया है, जिसका मतलब है इन्होंने प्रथम स्थान या सेकेंड स्थान या तीसरा स्थान हासिल किया ही है। तो कार्तिक, बहुत हो गया आपके बारे में मेरी तरफ से, आप बताओ कि मतलब कैसा लगता है कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए जब आप करते हो और इतनी सारी रेसेस में पार्ट लेते हो। मैम, रेस में पार्टिसिपेट करना एक अलग, मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है उसमें। मतलब क्या रहता है ना, इतना प्रेशर नहीं होता कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, मतलब बस जो मैंने ट्रेन किया है वही मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। बट जब हम कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ थिंक भी करते हैं ना, तो वहां से नर्वसनेस फील होने लग जाती है। एक्चुअल में क्या होगा, आज तक मैंने सिर्फ ना हमारी कंट्री हमारे वेदर में रन किया है, और अगर आज मैं रन करना चाहूंगा तो मैं कैसा रन कर पाऊंगा, या फिर मतलब मैं रन करूंगा तो नर्वसनेस में मैं डिमोटिवेट होकर मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, ऐसी थिंकिंग माइंड में। फिजिकली तो कर सकते हैं, बट मेंटली खुद को बहुत प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है ऐसे इवेंट्स के लिए। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। तो अभी आप साथ के साथ 12वीं कक्षा में भी हो, आप अपनी तैयारी भी करते हो पूरा साथ में रह के कोविड के टाइम पे, अभी कैसा चल रहा है आपका पूरा माहौल और स्केड्यूल, कैसे आप मैनेज कर पाते हो पूरा, मतलब पूरी आपकी ट्रेनिंग पे कैसे ध्यान दे पाते हो? मैम, अभी तो थोड़ा प्रिकॉशन रखना तो जरूरी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, अकेले प्रैक्टिस करता हूँ लोगों से, मतलब थोड़ा दूर ग्राउंड में नहीं जाता हूँ, आउटसाइड जाके प्रैक्टिस करता हूँ। और सेकंड थिंग, अपनी स्टडी को मैं मतलब ऐसा टाइम देता हूँ, मोबाइल स्विच, मतलब वीकली अब मोबाइल बहुत कम यूज करने लगे हो, मतलब दिन का एक आधा घंटा या पूरे वीक में सिर्फ एक बार यूज करना है। और जिस समय मैं मोबाइल यूज करता था उस समय मैंने स्टडी के लिए यूज करना स्टार्ट किया। बिल्कुल। और रेगुलरली मैं मॉर्निंग में 4 AM पे, मतलब रोज 4 बजे उठ जाता हूँ और 9 बजे तक घर आ जाता हूँ। अभी रेगुलरली ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो दिन में मतलब 11 बजे से फिर 3 बजे तक स्टडी रहती है,
उसके बाद फिर शाम को 4:30 बजे वापस गए, तैयार होके प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और 7 बजे जब वहां से फ्री होके घर आ जाते हैं। उसके बाद फिर 2 घंटे खुद की स्टडी के लिए स्पेंड करता हूँ, स्टडी करने के बाद फिर खाना खा के सोना ही होता है, क्योंकि अभी दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइट स्केड्यूल हो गया है काफी, पढ़ाई भी साथ में करनी है क्योंकि 12th बोर्ड्स भी हैं, और तो बोर्ड्स भी आपके इस बार देखते हैं कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं जाके होते हैं, बट पढ़ाई तो बिल्कुल रखनी पड़ेगी। तो आप इंदौर से रहने वाले, आप इंदौर के रहने वाले हो मध्य प्रदेश के, तो वहां तो आपको मिल्खा सिंह जी के नाम से ही जाना जाता होगा, हर कोई आस पास बोलता होगा। इंदौरी मिल्खा बोलते हैं, बट मैं खुद को मतलब खुद के नाम का एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ कि मैं दूसरे के नाम से क्यों पहचाना जाऊँ, हमेशा मतलब खुद को खुद के नाम से पहचाना जाए या ऐसा कुछ किया जाए कि मेरी हमेशा थिंकिंग होती है। और ये बहुत अच्छी थिंकिंग है, ये बहुत अच्छा थॉट है, क्योंकि इंसान ना तभी अपने मोटिव के लिए काम करता है, क्योंकि हर कोई किसी और को फॉलो करते करते तो पूरी 90% लोग फॉलो करते हैं दूसरे को, बट अपनी पहचान बनाना, उसको हासिल करना, अपना नाम एक तरीके से अपने लोगों में छाप छोड़ना एक तरीके से, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत आप कर ही रहे हो। अच्छा, तो स्टार्टिंग से करते हैं कि आपने रनिंग की शुरुआत कहाँ से की है, मतलब आप ऑलरेडी अभी 19 साल के तो हुए हो अभी, पर रनिंग की शुरुआत कहाँ से की थी? मैम मैंने जून 2016 में अपनी रनिंग स्टार्ट की थी। उसका स्टार्टअप ऐसा था कि हमारी एक शॉप थी इंदौर में, उसके पास में टीटीसी सेंटर था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो वहां से मैं वहां से उस ट्रेनिंग सेंटर के सामने से आता था, तो मैं देखता था कि पुलिस के और आर्मी के जवान कितने अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, उनके स्टेपिंग उनको भागते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क्या मैं कभी ऐसा भाग सकता हूँ। तो मतलब करीबन 1-2 महीने तक मैं उनको देखते रहा रोज कि कैसे भाग रहे क्या करते, रोज मैं रोज देखने जाता था, तो शौक लग गया था कि उनको देख के आना है रोज एक दिन, तो मैं रोज देखने जाता था। फिर एक दिन पूरा माइंडसेट बना लिया था एक रात पहले से कि मेरे को कल दौड़ने जाना है, स्कूल के शूज और एक शॉर्ट्स पहन के मैं रनिंग करने गया था, तो सिर्फ मैं 400 से 500 मीटर मैंने रन किया होगा और मैं जाके बैठ गया कि मैंने बोला अपने से ऐसा रन नहीं हो सकता, हर किसी की रनिंग नहीं। तो करीबन 1 घंटे में उस ग्राउंड में बैठा रहा और सबको देखता रहा कि सब कर क्या रहे, एक्चुअली कोई धीरे भाग रहा था कोई तेज भाग रहा था, तो उनको देख रहा था, तो मेरे को तब समझ में आया जो धीरे भाग रहा था वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक भाग रहा था, और जो मतलब फास्ट भाग रहा था वो थोड़ा सा भाग के रुक जाता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं धीरे भाग के देखता हूँ, फास्ट तो भाग लिया अपने से, मैं भाग नहीं पाया उतना, मैंने स्लो भाग लिया। तो पहले दिन मैंने 13 किलोमीटर रन किया था, 13.600 मीटर आ रहा था पहले ही दिन 13 किलोमीटर। हाँ, फिर उस दिन मतलब रन कर स्टार्ट किया था तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं भाग पाऊंगा इतना, बट जब रन किया था तो लगा कि हाँ मैं रन कर सकता हूँ। तो मैंने करीबन 13 किलोमीटर रन करने के बाद घर गया, बिल्कुल अच्छे से लगा नहीं कि मैं इतना भाग के आया, तो पापा पूछ रहे थे कि क्या हुआ आज ग्राउंड गए थे, तो मैंने बताया कि आज मैंने 13 किलोमीटर भागा, तो बोले हो ही नहीं सकता। कैसे भागा कैसे जा सकते हाफ मैराथन में, तो सब पापा गए थे मेरे साथ, मतलब 1.5 साल बाद मैंने जब फर्स्ट हाफ मैराथन अटेम्प्ट की तो पापा गए थे, तो पापा को लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो गाड़ी से आए थे मेरे साथ, मतलब वो बीच सेंटर में जहाँ पे 11-12 किलोमीटर हो जाता है। तो मैंने स्टार्ट किया, तो पहले से जाके एक पलासिया स्क्वायर होता है जहाँ पे 10-11 किलोमीटर कम्प्लीट हो जाते हैं इंदौर मैराथन का, वहाँ जाके खड़े होकर उनको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनको नहीं दिखा, तो उनको लगा कि मैंने छोड़ दिया, मैं घर पहुंच गया हूँ, तो घर पहुंचा नहीं पहुंचा, फिर वापस देखा, फिर फिनिश लाइन पर जाकर खड़े हो गए, तो मतलब 1:30 हुआ, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं हुआ होगा, फिर रास्ते में बैठा होगा, तो आप लास्ट में देख लेंगे रनर्स को, देखो कौन कैसा कर रहा है। तो 1:32 में मैंने अपना हाफ मैराथन फर्स्ट टाइम में फिनिश किया, जब मैं फिनिश करके आया तो वो बोलते कि पूरा भागा था, मैंने बोला हाँ, तो बोले मेरे को तो दिखा ही नहीं, तो मैंने बोला आप देख ले बट आप नहीं देख पाए, मैंने बोला इतने सारे रनर्स आ रहे थे तो नहीं देख पाए, तो बोले पूरा भागा, मैंने बोला आप भी मेडल देंगे और वो सर्टिफिकेट भी आएगा तो देख लेना मैं पूरा भागा था, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि मैंने कुछ किया है। तो उस दिन से फैमिली सपोर्ट भी स्टार्ट हो गया था, मतलब फर्स्ट क्या होता है ना
किसी भी चीज को अर्न करने के लिए या मतलब किसी को समझाना एक क्राइटेरिया नहीं होता, करके दिखाना फर्स्ट क्राइटेरिया होता है मेरा। जब मैंने सोचा कि मैं उनको समझाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, मैं करूंगा ना तो अच्छी बात है। तो मैंने जब फर्स्ट हाफ मैराथन पूरी की तो पापा को अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि हाँ ऐसी भी रन हो सकती है, ऐसा भी तुम भाग सकते हो, अब यहाँ पे भाग रहे हो तो इसके अलावा तुम आगे पीछे भी जा सकते हो, मतलब तुम इंदौर के बाहर जाकर रन करो, ऐसे ऐसे मैराथन होते हैं। उनकी सर्चिंग स्टार्ट हो गई थी उस दिन से। पापा भी खुद रणजी प्लेयर है तो उन्होंने मतलब उस दिन से मेरे को समझाना चालू करा कि ऐसा कर सकता है और ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं मतलब रनिंग के लिए। तो उस दिन मैंने अपना मतलब एक मैराथन का करियर स्टार्ट किया कि मतलब जब से मेरे को मैराथन के बारे में कुछ पता चला। मतलब फरवरी में इंदौर मैराथन थी और उसके बाद मैंने सेप्टेम्बर में, हाँ 30 सेप्टेम्बर को सोलन इसका अल्ट्रा, फर्स्ट टाइम में मतलब मेरे को पता नहीं था कि 60 किलोमीटर पहाड़ियों को ऐसा दौड़ाया जाता है। तो मैं पार्टिसिपेट रजिस्ट्रेशन किया था, मेरे को जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे को लगा था अच्छा है, हो सकता है मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे भी इंदौर में मतलब इतने एलिवेशन तो नहीं है बट मैक्सिमम एलिवेशन 500 मीटर का है, ये मतलब राला मंडल में। तो वहां पे जाके प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो एक दो दिन तो भागा, तीसरे दिन पता चल गया कि अपन ने गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया है, मैं वहां नहीं भाग पाऊंगा। तो पापा बोलते नहीं नहीं वहां पे टेम्परेचर ठंडा रहता है तुम अच्छे से रन कर पाओगे। तो मैं वहां पे गया, फिर जब सोलन गए तो एक दो मतलब एक दिन पहले गया था तो पता चला कि यहाँ पे भी अपनी हालत टाइट है, क्या पता क्या होगा। तो मॉर्निंग में जब रन स्टार्ट हुआ तो रन तो स्टार्ट किया, पहले 3 घंटे जब मैंने रन कर लिया था तो मेरे को वहां पे जाके मैंने ऊपर पूछा कि तो 30-40 किलोमीटर हो गया होगा, क्योंकि मैं तो ट्रैक एंड फील्ड रन करता था तो इतने मतलब 3 घंटे में 30-40 किलोमीटर इजिली हो सकता था। तो वहां पे जब मैं एक स्टॉप पे पूछा था हाइड्रेशन स्टेशन पे, तो उन्होंने बोला अभी तो 13 किलोमीटर ही हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा। आप लोग गलत रूट को मेजर किया है, मैं 4 घंटे से भाग रहा हूँ और अभी 13 किलोमीटर में। तो बोले फिर मैं मतलब वहां पे रोहित कल्याणे थे वो बाबा, मतलब जो हेल रेस के ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे मतलब ऐसे ही होता है ट्रेल्स को पता नहीं चलता है, टाइम भी स्पेंड होता है और डिस्टेंस भी कम ठीक है। तो पहले 6 घंटे में पहला लूप हुआ, फिर अगले 6 घंटे में दूसरा लूप हुआ, जब तक मेरे को तब समझ में आया कि भागते कैसे। जब सेकंड लूप 1 या 2 घंटे बाकी गए तब पता चला कि ट्रेल पे भाग कैसे कैसे सर्वाइव कर गए। मैंने पहले सिर्फ 8 घंटे में पानी ही पिया क्योंकि मतलब ये नहीं पता था कि कुछ खाते हुए भी भागना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रैक एंड फील्ड में अभी तक सिर्फ यही सीखा था कि कैसे रन कर रहे हैं और उस समय पानी कैसे पीना है, कैसे सर्वाइव करना है, क्योंकि 1 या 2 घंटे मैराथन रहता है, यहाँ पे मेरे को 12 घंटे होने वाले थे। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन थी सोलांग इसका अल्ट्रा, और उसका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था, मतलब कि आज तक मतलब किसी चीज से कुछ ज्यादा अलग सीखने को मिले ना, वो मतलब वो एक अच्छी चीज होती है। तो सोलांग इसका अल्ट्रा में मेरे को मतलब फर्स्ट टाइम पता चला कि हाँ कोई ऐसा इवेंट होता है और ऐसे रन किया जा सकता। सोलांग में आपको वेरिएशन काफी मिल गया ना, क्लाइमेटिक चेंजेस मिल गए काफी सारे, प्लस ट्रेल रनिंग मिल गई, रोड के अलावा आपको भागने का मौका मिला, तो वहां पे आपको चैलेंजेस भी पता लगे होंगे कि इंसान को क्या क्या और आ सकते हैं, क्योंकि आप रोड वाला तो आप अलग रोड पे तो आप घोड़े मतलब मॉर्निंग में तो पता है ना कि रिवर का लेवल कम हो जाता है, वाटर फ्लो कम हो जाता है, बट इवनिंग में वो वाटर फ्लो बढ़ जाता है। तो शाम की 4 बजी थी और ब्यास रिवर को क्रॉस करना था तो वहां पे वाटर फ्लो बढ़ गया था। तो मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बोलता हूँ ना, सबसे खतरनाक चीज होती है कि इसको क्रॉस कैसे करूंगा, मतलब अगर अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाया तो मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा ये नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 मिनट तक खड़े होकर नदी में पत्थर ही फेंकता रहा कि हाँ एक स्टॉप बन जाए जिस पर पैर रख के छलांग लगा सकूं। तो करीबन मतलब ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ उस रेस में। फिर मतलब जब मैंने सेकेंड एडिशन रन किया तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ रन कर पा रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने उसको रन किया था ज्यादा से ज्यादा रूट पता था और पता था कि एक्चुअल में क्लाइमेट कैसा होता है। तो मैं 10 दिन पहले जाके मतलब लास्ट ईयर 2019 में मैंने उसका 100 किलोमीटर का पार्टिसिपेट किया था 100 किलोमीटर में। ओके तो तब मेरे को बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सपीरियंस हो गया था कि यहाँ पे रुकना नहीं है, रुक गए या चलते रहे टाइम निकलेगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भागते रहना है और कंटिन्यूसली बने रहना है, तो जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाएंगे नहीं तो कट ऑफ भी अपने लिए मुश्किल होगा। क्योंकि मतलब यहाँ का इंदौर में क्लाइमेट मतलब मैक्सिमम 4 या 5 डिग्री से ज्यादा कोल्ड नहीं होता है और हॉट भी इतना नहीं होता है, तो मतलब इंदौर में मतलब कि मैच्योर टेम्परेचर है, मतलब सभी जने आके यहाँ पे मैच्योर एक टेम्परेचर में मैनेज कर सकते हैं। बट सोलांग में जाके मेरे को
मतलब एक बार तो मतलब सोचने में था कि मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। तो आपने पहले पहली फुल मैराथन के बाद पहली जो अल्ट्रा मैराथन करी थी वो सीधे सोलांग में 60 की थी। फर्स्ट हाफ मैराथन ही रन की थी, मतलब 1.5 साल प्रैक्टिस करने के बाद पहले हाफ मैराथन रन किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट सोलांग में रजिस्टर्ड कर लिया। ओके। क्योंकि यूट्यूब पर सर्च करते करते एक सोलांग इसका अल्ट्रा का एक वीडियो मेरे सामने आ गया था, तो मैं बोला यार ये तो अपने इंडिया में होती है और ऐसी में भी रन करना चाहता हूँ, मतलब एक्साइटमेंट था कि यार ऐसा हो सकता है। कार्तिक आपने फुल से पहले 60 कर ली थी, मतलब आपने फुल मैराथन बाद में किया होगा, 60 पहले कर लिया था आपने? हाँ, मैंने फुल मैराथन, अपने पास फुल मैराथन इस जनवरी में ही है मुंबई। मुंबई में मतलब रिप पेन के कारण में मतलब मैं सब फ्री कर रहा था अटेम्प्ट, मतलब लास्ट 40 किलोमीटर तक भी मैंने सब फ्री मेरा डिस्टेंस हो रहा था, बट लास्ट का 1 किलोमीटर में मेरे को पेन हो गया था, उसको रन करने में 8 मिनट लग गए, नहीं तो 2 घंटे 58 मिनट के अराउंड में वो डिस्टेंस पूरा हो जाता था। बहुत ही बेहतरीन। 3 घंटे 4 मिनट में इस साल की फर्स्ट फुल मैराथन मैंने की, मतलब मेरी फर्स्ट फुल मैराथन थी और साल का फर्स्ट अटेम्प्ट भी वही था। तो अब तक आपने कितनी रेसेस करी होगी अप्रॉक्स, अभी तक जितनी भी रेसेस में पार्ट लिया है, और कितने में आप जीते हो? मैं जीता अभी तक, अगर मेरे हिसाब से देखे तो मैं आज तक कभी एक भी रेस नहीं जीता हूँ, क्योंकि आज तक मैं कोई भी रेस मेरी एक्सपेक्टेशन के अराउंड में नहीं भाग पाया, क्योंकि जो भी मैंने सोचा था कि रेस में ऐसे रन कर पाऊंगा तो वो मैं रन नहीं कर पाया, तो मतलब आज तक मैं कोई रेस मेरे हिसाब से तो नहीं जीता हूँ। और मतलब अगर हम पोजिशंस में देखे तो जीत सकते हैं, बाकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं। पोजीशन वाली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई नो आप बहुत ऊंचा सोचते हो, और आप जब तक वो चीज क्रॉस नहीं करोगे दिमाग में जो आपने ठाना हुआ है, तब तक आप खुद के लिए नहीं जीते, पर आप पोजीशन जो पोडियम फिनिश होती है वो कितनी रेसेस में लगभग जीते हो, और कितनी करी है रेसेस अभी तक अप्रॉक्स? मतलब 25 रेसेस में मेरे पोडियम्स है, फर्स्ट और सेकंड मिला थे, थर्ड नहीं गिने। और आज तक मतलब वर्चुअल और एक्चुअल इवेंट में लाके मैं 100 अबाव रेसेस रन कर चुका हूं। ओह नाइस, बहुत ही बेहतरीन। और पहला जो आपने इवेंट पार्ट लिया था किसी मैराथन में, जो एक ऑथेंटिक मैराथन होती है, वो कौन सी एज पे लिया था? मतलब अभी तो आप 19 के हो। हाँ, मैंने अपनी मतलब फर्स्ट मतलब सोलह इसका अल्ट्रा 15 की एज में की थी, 60 किलोमीटर 15 साल की। और सिक्स, ओ ओ नाइस, वेरी नाइस। और आपने 100 लास्ट ईयर ही किया है सोलांग वाला? हाँ, सोलांग का 100 लास्ट ईयर किया है, मतलब एक साल का गैप करा फिर सोलांग किया। और फिर लास्ट में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब ये जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था ये तो बहुत अच्छा था, मतलब जो लोग सोच रहे थे कि हाँ इतनी गंदी रेस, मेरे को लग रहा था कि सबसे अच्छी रेस सोलांग इसका एंट्रा है, क्योंकि मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हमको इंडिया में रन करने के लिए मिल रहा था, पर एक अलग ही स्टैंडर्ड है ना, मतलब अगर ट्रेल वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें मैक्सिमम एलिवेशन 700 मीटर का रहता है, यहाँ पे 2000 मीटर का मैक्सिमम एलिवेशन, 1400 मीटर का मैक्सिमम एलिवेशन, मतलब एक क्लाइंब भी 1400 मीटर, मतलब वो अच्छा था कि मतलब खुद को चैलेंज करना अच्छा लगता है, तो मतलब वहाँ पे भी एक ऐसी चीज मिली है, मैंने सोचा कि आज कुछ अच्छा नया करने के लिए मिलेगा। तो आपने आपने बहुत छोटी एज में रनिंग को अपना, रनिंग आपका पैशन है और आपने रनिंग को पहले ठाना कि आप अपना उसका उसको करियर बना के आगे लेके जाना चाहोगे, तो बहुत ही कम लोग होते हैं कार्तिक जो पहचान पाते हैं ना बहुत ही कम एज में कि उनको करना क्या है, क्योंकि कई बार मुझे अभी तक पता था कुछ साल पहले तक कि मैं क्या करना चाहती हूँ, और शायद अभी तक भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, मतलब बहुत चीजें, बहुत कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि क्या करना है, बहुत सारी ऑप्शंस मिलते हैं आपको लाइफ में, कई बार ऑप्शंस मिलते हैं और आप सिर्फ एक उस फ्लो में चले जाते हो जहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, तो एक क्लीन माइंडेड और स्ट्रांग हेड होना इंसान का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको किस पॉइंट पे लगा कि हाँ आपको करियर अपना रनिंग में ही बनाना है और अब मतलब आपका फोकस जो रहेगा वो इसी के लिए रहेगा, तो वो पॉइंट कब आया था? मैम वो पॉइंट सोलांग इसका अल्ट्रा के बाद ही आया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि क्या ऐसा हो सकता है, जब मैंने फिनिश किया ना तो मेरे को लगा कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, क्या होता है ना कभी किसी बैरियर को क्रॉस करते ना उसके बाद ही पता चलता है कि और मैं कितना कर सकता था। बिल्कुल। हाँ, मेरे सर बताते हैं कि मतलब जब तक हमें ये नहीं लग जाए कि हाँ अब नहीं हो सकता, मेरे को स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ेगा,
तब तक फाइट करना चाहिए किसी भी इवेंट में, मतलब खुद को फिजिकली चैलेंज करना हमेशा अच्छी चीज होती है। तो मतलब क्या था ना कि मैंने उस दिन से सोचा कि क्या मैं इससे ज्यादा कर पाऊंगा, तो उसके बाद मैंने मल्लाड अल्ट्रा रन किया और बैकयार्ड अल्ट्रा रन किया, मतलब स्टेडियम रन रन किए, अभी तक मैं 4-12 घंटे का स्टेडियम रन कर चुका हूँ और मेरा 182 लैप मेरा पर्सनल बेस्ट डिस्टेंस है, मतलब 105 किलोमीटर 12 घंटे। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेडियम रन रन किया था तो मैंने 84 किलोमीटर रन किया, उसके बाद 94 और 107 किलोमीटर और 112 किलोमीटर से ग्रेजुअली इंक्रीज किया, मतलब सीखते गया और आगे बढ़ाते गया। तो इन सब के लिए कार्तिक फैमिली सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि पीछे से अगर आपको कोई सपोर्ट या बैक नहीं देगा तो आपको नहीं लगेगा कि मैं मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूं, बहुत कंफ्यूजन रहेगा। तो वो फैमिली सपोर्ट कैसे मिलता है और बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, आप वो बताओ। मेरे पापा एक ना चाय की दुकान चलाते हैं इंदौर में, और क्या होता था ना कि अब रनिंग सबसे, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था कि रनिंग सबसे सस्ता है, शॉर्ट्स और शूज में ही हो सकता है, बट जब मैं धीरे धीरे करने लगा तब मेरे को पता चला कि एक्चुअली में सबसे एक्सपेंसिव रनिंग है, मतलब हर मंथ एक शूज परचेज करना, शॉर्ट्स वगैरह, हाइड्रेशन के लिए पैसे, ट्यूशन के लिए। तो पापा को समझाया पूरी चीज, मतलब जब 2-3 साल हो गए थे पापा को भी लगा कि एक्चुअल में मैं कुछ कर रहा हूँ। तो पहले हमारी शॉप ना 12 घंटे चलती थी, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग तक, तो पापा ने बोला अपन 4 घंटे या 5 घंटे ज्यादा काम करेंगे, जिससे अपन न्यूट्रिशन के बाकी पैसे अपन आपने 4 घंटे में एक्स्ट्रा इनकम होगी अपन वो तेल इंडिया। तो उस समय हमने प्लानिंग की, हमारा मतलब जो भी बजट होगा अपन उसी मतलब एक्स्ट्रा टाइम से निकालेंगे। और फैमिली सपोर्ट ऐसा रहता है कि मतलब हर चीज में, मतलब मैं कुछ बोलता हूँ ना कि पापा क्योंकि अपने को नेक्स्ट वीक 200 किलोमीटर रन करना है, अगर मैंने बोल दिया, मतलब मैंने बोला कि पापा 200 किलोमीटर रन करने की इच्छा है, वो उससे कब करना है, मतलब कैसे होगा वो सेकंड देंगे, करना कब है उसकी बात करना, कि मतलब अगर हम आगे की सोचेंगे तो ही कुछ अच्छा हो सकता है। पापा गए थे हमेशा बोलते कि मतलब जब तक लास्ट तक नहीं कूद रहा या लगे स्ट्रेचर पे नहीं आ जाओ तब तक रेस को छोड़ो मत, या आखिरी तक उसको प्रेशर करते रहो, उनका बियॉन्ड करना ही हमेशा सही चीज होती है। मतलब पापा बोल रहे थे एक बार रेस में कि जैसे मैं प्रैक्टिस करने गया था तो उनको बोल रहे थे कि कितना भागना है, तो मैंने बोला 10 किलोमीटर भागना है, तो मेरे को बोलते कि 10 किलोमीटर तुम पूछ के प्रैक्टिस कितनी करोगे, मतलब उनका कहना है जो 10 किलोमीटर है वो तो तुम्हारा रूटीन है, एडिशनल करोगे वो तुम्हारी प्रैक्टिस, अगर 10 किलोमीटर तो मैंने रूटीन में रन कर लिया और एक्स्ट्रा अगर मैंने 5 भागा है तो वो मेरी प्रैक्टिस। तो मतलब मेरे को ऐसे रोज नई चीज बताते हैं, एक टॉपिक रोज उनका होता है कि अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, खुद को अच्छे से अच्छा, मतलब खुद को मतलब कैसे कहते हैं ना हीरे को निकालना, तो वो रोज एक नई चीज मेरे को लाके समझाते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं या फिर हमारी अब ट्रेनिंग में हम और क्या अपडेट कर सकते हैं। मैं रेगुलरली 1 या 2 टॉपिक पे रोज स्टडी करता हूँ, पिछले 4 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब पहले खुद को ट्रेन करता है, अभी मैं मतलब बहुत सारे रनर से मतलब इतना भी होती है और उनसे गाइड भी लेता हूँ कि मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैंने अपना किया है उसके बाद मेरे को अगर आता हूँ रहता मैं कैसे कर सकता हूँ। तो रेगुलरली मैंने क्या किया था ना कि मैं पहले रोज 2 टॉपिक स्टडी करता हूँ, कि अगर मैंने भागते वक्त रात के समय अगर कुछ मिल्क प्रोडक्ट लिया है तो मैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, अगर मैंने भागते समय लेमन का यूज किया तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, ऐसा कुछ भी 4 भाग में हर 1 दिन पर 2 टॉपिक में स्टडी करता हूँ। तो मतलब क्या है ना, सारी चीजें खुद से समझने के लिए और खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए ईजी हो जाता है। बिल्कुल आपको दोनों चीजें पता होती है कि इसके फायदे ही हो सकते हैं और इसके नुकसान भी यही हो सकते हैं, तो दोनों चीजें आप जानोगे। हाँ, बैकयार्ड अल्ट्रा में यही हुआ था, क्या हुआ था ना कि सब कॉफी का और चाय पी रहे थे, पनीर खा रहे थे, मतलब बहुत सारे रनर्स थे, क्या होता है ना डेयरी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट होने में 5 से 7 घंटे लगते हैं, और अगर हम डेयरी प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो हमको नींद आती क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैंने बैकयार्ड में 1 भी बार डेयरी प्रोडक्ट का यूज नहीं किया था, मतलब चाय भी मैंने यूज नहीं पी थी और ब्लैक कॉफी पी थी, उसमें शुगर भी नहीं था, तो उस समय को नींद नहीं आती। और मैं क्या कर रहा था कि जब भी मेरे को नींद आ रही थी तो मैं थोड़ा स्प्रिंट कर लेता था, 5 मिनट का पावर नैप ले रहा था, क्योंकि क्या होता था ना कि वेन्यू पे जहाँ पे हम हर बार क्लासेस स्टार्ट करते हैं वहाँ पे रेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर, क्योंकि सब बोलते रहते हैं, सभी रनर्स को क्या करते हैं, तो वहाँ मेरा रेस्ट नहीं होता है। तो मेरा बैकयार्ड का स्ट्रेटेजी ये रहता था कि मैं वहाँ से बाहर जाता था
एक या 1.5 किलोमीटर के बाद एक हनुमान मंदिर आता था, तो वहां पे का लाइटिंग भी थी उस फॉरेस्ट में और बैठने भी अच्छी जगह थी। मैं 7 मिनट, 5 से 7 मिनट का अलार्म अपने मोबाइल में लगा लेता था कि 5 मिनट का पावर नैप और उसके बाद उठना है। तो क्या होता था ना कि 5 मिनट की थोड़ी देर हो जाती थी, तो मैं क्या करता था फिर स्प्रिंट लगाता था, शॉर्ट शॉर्ट, मतलब 1 किलोमीटर की स्प्रिंट लगाई, 2 किलोमीटर वॉक किया, फिर 1 किलोमीटर की स्प्रिंट लगाई। ऐसे में मुझे नींद नहीं आती थी और मैं एक्टिव रहता था, ज्यादा पसंद में स्ट्रेच भी नहीं होते थे और फास्ट भागने से कैलोरीज भी कम बर्न होती है। तो मैंने मतलब ये थोड़ी स्टडी करके गया था कि मेरे को भागना एक्चुअल में कैसे है। बहुत ही अच्छी चीज है ये तो, क्योंकि सही बात है, आपको जब आप भाग रहे होते हो ड्यूरिंग रेस, अगर आपको चीजें पता हो पहले से कि इसके ये नुकसान हो सकते हैं, इसका ये चीज करने से मेरे को फायदा मिलेगा, और वो तो अच्छी बात है, और ज्यादा वो चीजें स्ट्रैटेजी जो होंगी आपके काम आएंगी ड्यूरिंग द रेस। तो समझदार भी हो वैसे आप, बहुत ज्यादा करते, मतलब मुझे ये बातों से भी पता लग रहा है कि सिर्फ एक मेहनत ही नहीं होती, दोनों चीजें काम आती है यार इंसान में। तो आपने उतनी मेहनत भी करी है अपने नॉलेज को भी बढ़ाने में, तब आप जाकर एक मिलाकर एक अच्छे रेसर और एक इतने अच्छे अल्ट्रा रनर हो। तो अगर हम बात करें, जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं जब आप कोई भी रेस में पार्ट लेते हो, भले ही वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हो या फिर सिचुएशन वाले चैलेंजेस हो, तो आप ड्यूरिंग रेस या आपके रास्ते में जो रुकावटें आपको लगती हैं, जो आती हैं, मतलब आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में या ट्रेनिंग में, तो वो क्या है, मतलब बीट एनीथिंग, आपको क्या लगता है कि ये अगर रुकावट ना होती तो हो सकता है मेरी चीजें और इजी हो जाती, तो वो चैलेंजेस क्या हैं आपकी अभी लाइफ में? 2020 के पहले मेरे को मतलब एक्चुअल में पता नहीं होता था कि भागना कौन कौन सी रेसेस है, कैसे भागना है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो जब 2020 में मैंने मतलब बैकयार्ड 2019 के लास्ट में मैंने बैकयार्ड के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा था कि मैं अब कोई रेस नहीं भागूंगा, नवंबर के बाद से मैंने कोई रेसेस रन नहीं की, मैंने सिर्फ यही प्लान किया था कि बैकयार्ड के लिए प्रिपेयर करना है और अच्छे से मतलब सारी चीजों को प्लान करना है, मैं कैसे भाग पाऊंगा। तो क्या हुआ ना, मैंने 5 नवंबर से मैंने प्लान किया कि मैं भागूंगा कैसे, पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि पर मंथ का माइलेज कितना होगा, तो 600 माइल्स का माइलेज डिसाइड किया कि पूरे नवंबर में 600 माइल्स, दिसंबर में 600 माइल्स और जनवरी में 250 माइल्स मेरे को टोटल रन करना है। ओके, मतलब 1450 माइल्स मैंने पूरे बैकयार्ड के मतलब डिसाइड किया था, मेरे को 1450 माइल्स भागने हैं, और उसको भागना कैसे, तो मैंने क्या किया था कि नाइट 12 मॉर्निंग 6 नाइट में रन करने के लिए, अब मेरे को लगा था कि कोल्ड ज्यादा हो सकता है तो मैंने मॉर्निंग में भागने की प्रैक्टिस की, अगर थोड़ा हॉट रहेगा तो दिन में भागने के लिए प्रैक्टिस की। अब मैंने सोचा कि मैं भागते वक्त अपना फूडिंग कैसे मैनेज कर सकता हूँ, तो क्या करता था कि डिस्पोजेबल प्लेट लेता था और घर मतलब एक पैकेट में पैक करके मतलब वहां पे जाता था जहाँ पे मेरे को प्रैक्टिस करना, वहां पे उस प्लेट में खाना लेके मैं चलते चलते भागते भागते या चलते चलते खाने की प्रैक्टिस करता था कि अगर मैं लेट होगा तो कैसे खाऊंगा। मतलब ये मैं 2-3 बार यूज कर चुका हूँ इस स्ट्रेटेजी को, जैसे हैंडोर बैम्बू अल्ट्रा में 250 किलोमीटर में क्या होता था, सब बैठ के खाते थे और मैं अपने मतलब क्रू रहता था उसको पहला समझाता था कि मैं नेक्स्ट लूप में मैं खाना खाऊंगा या मेरे को कट राइस या आइटम चाहिए होगा, तो मैंने पहले ही प्लेट में प्रिपेयर कर देना, मैं वॉक करते करते खा लूंगा। तो हैंडोर में मतलब जब हैंडोर बैम्बू अल्ट्रा में 250 किलोमीटर रन करा था, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा ईजी यही था, मतलब मैं अगर 15 मिनट अपना फूडिंग में यूज करा था तो 15 मिनट में मैं 1.5 या 2 किलोमीटर वॉक कर लेता, तो मेरा डिस्टेंस भी हो जाता था और टाइम भी बच जाता था। रुकावटें होती थी कि अल्ट्रा रेसेस में रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा होते थे, पहले तो पता था कि हाँ 1500 या 2000 तक रजिस्ट्रेशन, जब डिस्टेंस बढ़ते गया और रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ती गई तो लगा कि हाँ यार कैसे होगा, उसके बाद फिर हाइड्रेशन और उसका नए नए इक्विपमेंट ट्रेनिंग के लिए भी और ड्यूरिंग रेस भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, तो फैमिली इतना एफर्ट नहीं कर पाती थी। तो क्या हुआ ना कि इंदौर में खरियों ग्रुप है मलाराष्ट्र में, वो मतलब मेरे को रजिस्ट्रेशन एफर्ट करवा देते थे, मतलब रजिस्ट्रेशन भी करवा देते थे, शूज ही दिला देते थे, फिर मतलब थोड़ा सा मैं तो उनके साथ चलते रहा, फिर मतलब कुछ पॉलिटिशियन कभी कभी सपोर्ट कर देते थे और फिर धीरे धीरे रन करता रहा। मैंने
220 किलोमीटर एक बेसिस पर रन कर लिया था। एक दिल्ली के भी सर है गुरदीप सिंह तुली, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया था। मतलब 250 किलोमीटर का रेस उन्होंने 220 किलोमीटर का रेस उन्होंने स्पॉन्सर किया था मेरे को इंदौर में। वो रन करके आया था इंदौर, हाँ इंदौर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पाथ इंडिया लिमिटेड जो मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है अभी भी। तो उनको मैंने बताया कि हाँ अभी मैंने 220 किलोमीटर रन किया है और मेरे को 250 किलोमीटर रन करना है। तो उन्होंने, उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि कोई 20 किलोमीटर भाग सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है और तुम्हारी एज भी कम है, तुम बोल रहे हो तो प्रूफ दिखाओ। तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट साथ में लेके गया था कि फर्स्ट टाइम किसी के साथ मेरा इंटरव्यू है। तो एक्चुअल में सारी चीजें हम तैयार करके जाते हैं कि वहां पर जाके इजी होगा सब समझाना। मैं सारी न्यूज कटिंग और सारे सर्टिफिकेट्स मेडल भी लेके गया और ट्रॉफी भी लेके गया। वहां पर मेरी थर्ड पोजिशन थी। मैंने उनको बताया कि मैंने 46 आवर्स में मैंने रन किया था 220 किलोमीटर, वहां पर बहुत ज्यादा हॉट था और मेरे को अब 250 किलोमीटर रन करना है और वहां पे ऐसा ऐसा रहेगा, मेरे को आप स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, अगर आप स्पॉन्सर करेंगे तो मेरे को भी ऐसा होगा कि मेरा सपोर्ट हो जाएगा और मैं रन भी अच्छा कर पाऊंगा। तो उन्होंने पूछा कि एक्चुअल में एक्सपेंस कितना होगा, तो मैंने बोला 15,000 होगा अराउंड में टोटल में। हाँ ठीक है, हम स्पॉन्सर करते हैं, फर्स्ट रेस तुम रन करके बता देखो, अगर जमेगा तो नेक्स्ट अगली पूरी फिर हम साइन करेंगे। तो मतलब जनवरी में मेरी उनसे बात हुई थी और अप्रैल में मेरी रेस थी। तो उसके बाद एक रेस, उसके पहले एक रेस थी ट्रेलाथॉन जो अरावली गुड़गांव में होती है ट्रेलाथॉन, उसमें 2018 में भी मैं विन किया था। तो मैं उनके पास एक और बार वापस गया, मैंने बोला सर ट्रेलाथॉन इवेंट हो रहा है और लास्ट ईयर वहाँ पे मेरा कोर्स रिकॉर्ड था, मैं जीता भी था 56 किलोमीटर में, तो इस बार भी रन करना चाहती हूँ। तो बोलते हैं हाँ वहाँ पे कितना एक्सपेंस आएगा, मैंने बोला 7-8 हज़ार रुपये के आसपास आएगा टोटल एक्सपेंस। उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम जाओ, हम स्पॉन्सर कर देते हैं बुरा। तो बोलते कि क्या सोच के जा रहे हो, कितना भागोगे, कैसे भागोगे। तो मैंने सोचा कि सर मैं तो हमेशा जीतने के लिए तो कभी जाता नहीं हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि अपना पर्सनल बेस्ट परफॉर्म करूँ। तो बोलते कि क्या फिर भी क्या परफॉर्म करोगे। तो मैंने बोला चार घंटे पहले मैंने 5:19 में रन किया था, तो मैंने सोचा कि सर इस बार मैं 4:30 में रन करूंगा। तो बोलते हाँ ठीक है, अगर 4:30 में कर दोगे तो तुमको स्पॉन्सर कर देंगे, मतलब लाइफ टाइम जब तक तुम रन करना अच्छा से रन करोगे। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैं मतलब 2 तारीख को इवेंट था 2 फरवरी को और मैं 1 फरवरी को इवनिंग में निकला था, वो मैं लेट हो गया था पहुंचने में, 5 मतलब रेस स्टार्ट हो गई थी उसके 5 मिनट बाद में पहुंचा था और सबसे पीछे से मैं लूज रन कर रहा था। मतलब कि 5 मिनट सब आगे थे 1 या 2 किलोमीटर और मैं सबसे पीछे से, मैंने मतलब प्रिपेयर भी नहीं हुआ था। मैं जाके मैंने ड्रेस पहने, शूज पहने फटाफट, और भी एक मेरी फ्रेंड है सुषमा शर्मा उनके पास था तो उनसे बिग लिया, भागने में मैं 5 से 7 मिनट टोटल लेट है। तो एक वो था कि अरे अब सब आगे हैं, मैं लेट भी हूँ, मैं सबसे पीछे से रन कर रहा हूँ। तो जब मैंने पीछे से रन करना स्टार्ट किया तो एक एक करके सब पीछे होते जा रहे थे, तो मैं भी खुद मोटिवेट होते जा रहा था कि अरे जो मेरे से आगे वो पीछे होते जा रहे। तो मेरे को पता था इवेंट में सबसे अच्छा रनर अभी कौन रन कर रहा है या कौन सबसे आगे रन कर रहा है। तो जो मेरा फर्स्ट लूप था तो 28 किलोमीटर का लूप रहते हैं उस पर और 2 लूप करना पड़ता है। तो फर्स्ट लूप में जब 3 किलोमीटर हुआ तो मैंने जो वहाँ पे जो फर्स्ट रनर रन करा था, मतलब जो सबसे आगे रन करा था, उसको मैंने कट कर दिया था, मतलब मैं आगे आ गया था। और मेरा जो फर्स्ट लूप था वो बना ऐसी, मतलब मैं उससे मतलब 5 से 7 मिनट के लिए आगे था और जब सेकेंड लूप किया तो 37 मिनट का गैप था मुझ में और सेकेंड रनर में। मतलब फर्स्ट टाइम मतलब मैं उनको बोल के आया था कि 4:30 में मैं रन करूंगा और मैंने 4:24 में पूरा इवेंट फिनिश किया 56 किलोमीटर। ट्रेल था, मैं थोड़ा लेट था और उस समय अगर लेट था तो मैं प्रॉपर न्यूट्रलाइज भी नहीं था कि मैं को क्या खाना था, वो भी मैं नहीं खा पाया, जल्दी जल्दी मैं निकल गया। तो एक्साइटमेंट बस यही था कि रनर पीछे हो रहे थे और मेरे को भागने में और मजा आ रहा था। 13 किलोमीटर माइलेज आया था एरिया, मतलब 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड थी। मतलब मेरे को समय मेरे पास स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी नहीं थी, बस मैं टाइम देख के चल रहा था कि इतने मिनट में मेरा 1 किलोमीटर हुआ। वहाँ पे हर मतलब हर 3.5 किलोमीटर पर हाइड्रेशन स्टेशन था। तो मैंने बोला हमें कहीं पे भी वॉक नहीं करना है, हाइड्रेशन स्टेशन आएगा वहाँ जाके कुछ खाना है। मतलब 30 सेकेंड का ब्रेक हुआ और वो जो जो खाने के लिए लेना है उसको लेके हम वापस पिक कर लेंगे हमारी स्पीड। तो लास्ट के 7 किलोमीटर पे मेरे को लगा कि हाँ मैं थोड़ा थकते जा रहा हूँ, मतलब
49 किलोमीटर हो गए, 49 किलोमीटर हो गए थे, लास्ट 7 किलोमीटर बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं थकते जा रहा हूँ, मैं थकने लगा हूँ। तो मेरे फ्रेंड को बोला कि क्या तुम रेस कर सकते हो, तो बोले हाँ ठीक है रेस कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब वो मेरे को पेस कर रहे थे तो वो मेरे से पीछे रह रहे थे बार बार, तो मैंने बोला पीछे, तो बोले भाई थोड़ा पेस कम करके भागना है, अगर ऐसे भागोगे तो फिर कैसे। तो मैंने बोला अगर मैं स्पीड में नहीं भागूंगा तो मेरा टाइम में डिस्टेंस भी नहीं होगा और मेरे को स्पॉन्सरशिप की नीड है। तो मैंने मतलब एक गोल था सामने की 4 घंटे 30 मिनट में रन करना है, और अगर मैं अच्छा रन कर पाया 4 घंटे 30 मिनट के पहले अगर मैंने रन कर लिया तो मतलब मेरा गोल अचीव हो जाएगा उस दिन का। तो 4 घंटे 24 मिनट में रन किया और मतलब सबसे अच्छा आज तक का इवेंट मेरे को लगा कि मतलब मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाया, वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस दिन कि मैं इतना कर। और मेरे को ध्यान है ट्रेलाथॉन में तो जैसे ना स्टार्ट लाइन भी अंदर होती है, जो हाईवे होता है उसके काफी अंदर चल के स्टार्ट लाइन काफी अंदर से शुरू होती है, 2 किलोमीटर का डिफरेंस है मेन रोड से, 3 किलोमीटर का डिफरेंस। और ये चीज इसलिए ध्यान आई क्योंकि आपने जब बोला ना मैं 5 मिनट लेट हो गया था, तो मैंने भी वो इवेंट में पार्टिसिपेट किया था 15 किलोमीटर या 14 की कैटेगरी में। तो हाँ, तो उसमें मैं भी बहुत टाइम से जा रही थी, पर मैं मेरे को कैब वाले ने वहीं छोड़ा जो वो हाईवे होता है, और हाईवे से अंदर उन्होंने बोला वॉक करके जाना है यहीं पे है लाइन, और वो उस लाइन तक जाने में मुझे 2-3 किलोमीटर अंदर तक मैं भी 5-10 मिनट लेट हो गई थी लाइन तक जाने में, और जब तक सब जा चुके थे, और फिर मैं एंड में सबसे भागी थी कि ओहो सब जा चुके हैं। तो अंदाजा नहीं लगता कई बार तो, कि मतलब आपको नहीं पता ना, बस ये पता है कि हाँ यहाँ पे जाके है, पर वो कितना अंदर है क्या है, कुछ चीजें होती है वो रियल टाइम सिचुएशन वो आपको लेट कर देती है। तो है कोई नहीं, पर आपने जिस जिस तरीके से टैकल किया उसको और एकदम 4.5 घंटे का टारगेट रख के दिमाग में उसको अचीव किया और स्पॉन्सरशिप ली होगी आके, फिर आके वो जो प्राउड फील आ रही होगी सारी, मतलब उसके बाद से मतलब फरवरी 2019 के बाद से अभी तक मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है, और जो भी रेस मैं बोलता हूँ कि एक्चुअल में मेरे को ये रेस रन करना है इसका, अभी रिसेंट में मेरे को कॉरस वॉच वगैरह बहुत सारी चीजें भी स्पॉन्सर की, महंगी से महंगी सारी रेसेस स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं अभी 2019 15 दिन पहले सोलांग गया था, उसका पूरा बजट रेस का सारा एक्सपेंस सब कुछ उन्होंने स्पॉन्सर किया, यूएसए जाने का पूरा एक्सपेंस भी स्पॉन्सर कर रहे थे, बट ड्यू टू कोरोना नहीं हो पाया। तो वो इवेंट यहाँ पे जब हुआ तो उसके लिए भी मेरे को बाकी सारी चीजें स्पॉन्सर की, ये जो भी न्यूट्रिशन लगेगा बाकी सारी चीजें कार्तिक, क्योंकि अगर आप अगर पैसे दे भी रहे हो ना किसी चीज के लिए और वो मोटिव अच्छा है उस बंदे का, या जो वो काम कर रहा है वो दिख रहा है उन्हें, उनको रिजल्ट्स दिख रहे हैं उस चीज के, और जो आप दावा करके जा रहे हो कि मैं इतने में ट्राई करूंगा करने का, और आपने पर्सनल बेस्ट दिया अपना इतना अचीव किया, वो बंदा आपको कभी लेट डाउन करेगा ही नहीं, क्योंकि जिसने आपको सपोर्ट किया है वो हमेशा सपोर्ट करेगा। और आई गेस आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग आपको ऐसे ही सपोर्ट करें, क्योंकि जो मोटिव है वो मोटिव आपका बहुत बड़ा है, वो इन सब पैसों से बहुत अलग है, और बहुत ही पैसे बहुत छोटे हैं इस चीज के आगे, आपके मोटिव के आगे। तो कोई भी ऐसी चीज आपको इस तरीके की कोई जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या आपको रोक ना पाए आपकी ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप अपनी ट्रेनिंग हमेशा ऑन रखिएगा, सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा पीछे से, आप चिंता मत करो उसके लिए। अभी रिसेंट में मतलब जुलाई में मैंने खुद को मतलब चैलेंज करी, मैं मतलब कोरोना हो गया था, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, सिर्फ पूरे 3 मंथ में सिर्फ 1348 किलोमीटर ही मैं रन कर पाया था, मतलब मार्च से लॉकडाउन करना था उसके बाद 3 महीने का लॉकडाउन था, तो मैं सिर्फ 1300 किलोमीटर ही रन कर पाया था, 1348 किलोमीटर। तो मैंने खुद को चैलेंज करने के लिए एक इवेंट खुद से मतलब एक इवेंट खुद को मतलब कर लिया कि 42 into 50 में को रन करना है, मतलब रोज 42 किलोमीटर 50 दिन तक। तो 16 दिन तक मैंने रन किया, उसके बाद कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण मेरे को मतलब उसको ड्रॉप करना पड़ा। मतलब लाइफ का सबसे खराब पॉइंट मेरा सिर्फ वही था कि मैंने 16 दिन फुल मैराथन मैंने sub-4 में रन किया था पूरे 16 दिन तक, और उसमें 3 दिन मैंने sub-3 भी रन किया, और लास्ट में मतलब 16 दिन मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। मतलब 16 डेज तक मैंने कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव फुल मैराथन रन किया, एक सबसे बड़ा DNF तो वो हो गया, और एक सेकंड DNF अभी जो बैकयार्ड हुआ उसमें मैंने 21 आवर्स में मेरा DNF हो गया, तो मतलब उसके कारण मतलब मैंने 22nd लूप स्टार्ट किया था, और 200 मीटर भागने के बाद ही मेरा पेट इतना दुखने लगा कि मेरे को घुटनों पे आ गया,
मतलब मेरी मेरी जो प्लानिंग थी वो मैं कुछ प्लानिंग में शायद खड़ा नहीं उतर पाया और ट्रेनिंग भी मैं पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाया अपनी ट्रेनिंग में. प्लान किया था कि मैं 60 घंटे रन कर सकता हूँ, इतना कैपेबल हूँ और इंदौर का वेदर है मैच और मुझसे इम्पोर्टा था और ट्रैक भी अच्छा था, बिल्कुल सब कुछ प्लानिंग के साथ चल रहा, बट क्या पता कहीं ना कहीं मेरा माइनस पॉइंट था, तब कुछ दिन का माइनस पॉइंट था, उससे स्टमक एड हुआ और मेरे को ड्रॉप करना था 21 आवर्स में. लाइफ की सिर्फ दो डी एन एफ हमेशा मेरे को याद रहेंगे जो खुद से मतलब वो जो DNF है ना कार्तिक, वो एक नजर वो होता है ना, नजरोटा जिसको बोलते हैं कि हाँ इंसान को हर चीज में थोड़ा कहीं ना कहीं पुश देने के लिए आगे कुछ चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं. तो ये लाइफ में जो चीजें होती है ना जहाँ पे DNF जिनको बोलते हैं रेसेस में या जहाँ पे भी ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ओहो अब तो कैसे ही होगा पता नहीं, तो ये चीजें सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आती है ताकि आप थोड़ी और मेहनत करो और अभी नहीं आगे आने वाली इतनी सारी रेसेस हैं जो आप जीवन भर करने वाले हो उनमें और अपना बेस्ट परफॉर्म करो. तो और कोविड के टाइम यार आपको पता है वैसे भी कि कोई भी इतना ज्यादा सब सारी सिचुएशन हर जगह बिल्कुल ऐसे फ्रस्ट्रेशन वाली थी, तो उसमें भी अगर आप अपनी ट्रेनिंग कर पा रहे हो, मैं नहीं बोलती कि रोज आप उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर पा रहे हो क्योंकि चीजें हर सब साथ में लेके चलनी पड़ती है, फैमिली को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, तो कोई बहुत मतलब आप सैड होने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज में. आगे आने वाले बहुत ऐसे मौके हैं जिनमें आप झंडे गाड़ोगे और इस चीज को एक होता है ना एक मिसाल साबित करोगे कि हाँ वो DNF लेके दिमाग में आपने आगे और जो आने वाले रेसेस थी उनको मतलब वो लिया अपने हाथ में लिया, तो बिल्कुल भी सैड मत होइए इस चीज को लेकर. मतलब इस मतलब अभी जो बैकयार्ड जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था उसके 60 घंटे के लिए 60 चीजें प्रिपेयर की थी कि अगर मेरे को पैर दुखेंगे तो मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, अगर मेरे को नींद आएगी तो मेरे को कैसे एक्टिव रहना है, मतलब पूरे 60 घंटे के लिए 60 अलग अलग चीजें थी. तो क्या हुआ ना कि मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा पेट भी दुख सकता है, तो एक नया टॉपिक उस दिन मेरे सामने आया. अब पता चल गया है कि हम कितने भी प्रिपेयर हो जाए एडवांस एक कदम आगे रहने के बाद भी आप पीछे रह सकते हो. मतलब मैंने क्या किया था ना कि 60 घंटे के लिए 60 अलग अलग एक कवर प्रिपेयर किए थे जिसमें स्ट्रेटेजी लिखी थी कि मेरे को कितना खाना है और उस लूप को भागना एक्चुअल में कैसे है. तो पूरे 60 घंटे के 60 मैंने वो कहते हैं ना लिफाफे प्रिपेयर किए थे कि हर घंटे सिर्फ एक लिफाफा ओपन करना है, उस पर टाइम डिस्टेंस और सब कुछ लिखा हुआ है, इस घंटे में इतना टाइम हो गया है, इतना डिस्टेंस हो गया है, और वो जो हम पेपर लिखा रहे थे उस पर हमारा टाइम लिख रहे थे कि हमने ये लूप इतने मिनट में किया था, 21 घंटे तक हमने उसको फॉलो किया और 22वां लूप ड्रॉप करना था क्योंकि मेरे को मैं पेट दुखने के लिए प्रिपेयर नहीं था और मैं 30 मिनट तक एक्चुअल में मैं उसी जगह पर बैठा रहा, मतलब मैं कैपेबल नहीं था कि मैं उस समय खड़ा भी हो पाऊं. मतलब मेरे को कोई पैर में नहीं दुख रहा था, मैं मेंटली भी खुद प्रिपेयर था कि हाँ मेरे को 60 घंटे करना है. उस समय मैंने अपना एक बैरियर बना लिया था कि मेरे को 60 घंटे कैसे भी करना है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि पेट दुखेगा तो एक्चुअल में करना क्या था, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था. तो बस अब एक चीज नहीं पता चली कि अब कैसे करना है नेक्स्ट चीज, अब कैसे करना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, अगर पेट दुखेगा तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए स्टडी कर रहा हूँ कि मैंने उस दिन क्या क्या खाया था और किस कारण से मेरा पेट दुखा, कौन सी चीज मतलब मैं खुद एडप्ट नहीं कर पाया कि कौन सी चीज सही नहीं थी मेरे लिए. तो आपने जैसे आप बहुत ध्यान देते हो अपने न्यूट्रिशन का और सारी स्ट्रेटजी पढ़ के पूरा अच्छे से चिट्स बना के जैसे आपने बताया पूरा करके जाते हो ताकि कुछ भी कहीं पे भी मिस ना हो और कहीं पे भी कुछ गलत आप लो या फिर कुछ ऐसा ना लो जो ओवरटेक हो जाए, तो वो स्ट्रेटजीज तो काफी अच्छी हैं, बट रियल टाइम सिचुएशंस को कार्तिक आप मतलब आप समझ नहीं सकते कि किस टाइम क्या चीजें आपको फेस करनी पड़े और वहां पे, तो वो सब फेलियर्स जो होते हैं ये सारे दिए हुए होते हैं भगवान के दिए हुए या फिर आगे सिखाने के लिए, तो कोई बात नहीं. आप अभी न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हो? न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक रनर के उसमें लाइफ में, तो अभी आप वैसे आप रेगुलर न्यूट्रिशन क्या फॉलो करते हो और रेस के टाइम वैसे आप क्या फॉलो करते हो जो आप चिट्स पे लिखते हो सब सारे न्यूट्रिशन क्या होता है वो? मैम मैं रेगुलरली 85% बॉइल्ड फूड खाता हूँ अपने दिन का और वीक में सिर्फ 5 से 6 चपाती में खाता हूँ पूरे वीक में, मतलब सारी वेजिटेबल्स दलिया ओट्स और मल्टीग्रेन दलिया मल्टीग्रेन पास्ता और दिन में 2 फ्रेश जूसेस पीता हूँ, मतलब एक वेजिटेबल का एक फ्रूट का,
मतलब मॉर्निंग में फ्रूट का या वेजिटेबल का, इवनिंग में फ्रूट का या वेजिटेबल का, अब मतलब सारी चीजों को मतलब ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को, मतलब हाइड्रेशन प्रॉपर रहे, तो रोज मतलब 6 से 7 लीटर या 8 लीटर जितना भी मैं पानी पी पाता हूँ, बॉटल मतलब एक टारगेट रख लेता हूँ, मतलब 5 लीटर का एक कैन होता है उसको भर के रख लेता हूँ कि मतलब उसको पहले खाली कर रहा है, उसके बाद ये 2 बॉटल पानी और पी रहा है, पूरा खत्म कर रहा है मतलब रात को 12 बजे के पहले, और अगले दिन तो फिर जब 12 बजती वो नेक्स्ट डे के लिए काउंट होने लग जाता है। तो रात को भी मतलब 3 बार उठ उठ के पानी पीता हूँ कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं रहे, खुद को हाइड्रेट रखना है। और मतलब क्या होता है ना कि मैं बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करता हूँ, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता हूँ, तो मतलब अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, किसी को खाने में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट बना दो, पहले ही सब कुछ तैयारी कर लेता हूँ कि मतलब अभी रनिंग करके आऊंगा तो उसका मेरे को क्या क्या लगेगा, तो मार्केट से खुद ले आता हूँ, और फिर घर पे आके खुद ही अपना कोट्स या दलिया वगैरह जो भी बनाना है, क्यूरोवा बनवाना है खुद बना लेता हूँ, मतलब तैयारी करके जाता हूँ और आता हूँ, फिर बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करता हूँ कि खाना है, और थोड़ा रेस्ट करके स्टडी, और फिर जब दिन का जो लंच का टाइम होता है उसमें भी खुद ही बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। अच्छा, पूरा न्यूट्रिशन का पूरा आप ध्यान रखते हो, और घर का बॉइल्ड फूड ज्यादा खाते हो। जब रेसेस आती है तो मैं कार्ब लोडिंग का पूरा मतलब ध्यान रखता हूँ, मतलब पिछले 3-4 दिनों से मतलब क्या होता है ना, मैं डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कर देता हूँ, जब भी मेरे रेसेस होते हैं उसके 2 या 3 दिन पहले से मैं अपने डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करता हूँ, उसका यूज करना, वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, कॉफी ही पीता हूँ और ब्लैक कॉफी पीता हूँ, तो क्या होता है ना कि जब भी मेरे रेसेस होते हैं मैं 3 या 4 दिन पहले से ही डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करता हूँ, ऐसा फूडिंग खाता हूँ जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाता हूँ, विटामिन सी का इंक्लूड करता हूँ अपने फ्रूट्स में, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड कर लेता हूँ, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता हूँ, और ध्यान रखता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं खाऊं जो मुझे ड्यूरिंग रन थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो बॉइल्ड पोटैटो, इडली सांभर, डोसा, मैं रोज एवरीडे इडली सांभर खाता हूँ, मतलब एवरीडे एक बार इडली सांभर तो मैं खाती हूँ, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, तो मतलब मैं चपाती को अवॉइड करके उसमें इडली सांभर या डोसा इंक्लूड कर देता हूँ, बॉइल्ड पोटैटोस, और मतलब क्या होता है ना गुजराती सब्जी होती है आलू की, तो क्या होता है ना मैं जब उबला उबला खाकर थोड़ा बोर हो जाता हूँ तो मम्मी को बोलता हूँ मम्मी इसको बना दो, तो उसमें क्या ज्यादा मसाले भी नहीं होते और वो उसमें एनर्जी भी अच्छी होती है, तो मम्मी को बोलता हूँ मम्मी प्रिपेयर करके दे देते वीक में एक दिन, और जब रेसेस होते हैं तो मतलब क्या होता है ना कि मैं पूरा केला कभी भी नहीं खाता, मेरे को प्रवीण कुमार सागवान सर ने एक बार, मैंने उनसे पूछा था कि आपने 12 घंटे में 112 किलोमीटर या 115 किलोमीटर रन किया, कैसे किया, तो बोलते कि कुछ नहीं बहुत इजी था, मैंने थोड़ा सा केला खाया था, मतलब कितना खाया था, तो बोलते कि सिर्फ 1 बाइट या 2 बाइट, उसमें थोड़ा ब्लैक सॉल्ट लगा, उन्होंने ठीक है, तो मैंने बोला इसका मतलब मीन क्या है, क्या थोड़ा सा खाने का ज्यादा खाने का उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो बोले हम ज्यादा खाएंगे ना तो 40 मिनट में डाइजेस्ट होगा, ये मेरे को पता था कि 40 मिनट में डाइजेस्ट होगा, बोले थोड़ा सा खाएंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी और हमारे पेट में वजन नहीं बढ़ेगा तो आप इजी रन कर पाओगे, तो उस दिन से मेरे को मतलब एक नई चीज पता चली कि हमको खाना थोड़ा थोड़ा सा है और थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहना है, तो मतलब ब्लैक फॉरेस्ट के साथ मैं बनाना खाता हूँ जब भी मैं रेसेस में भागता हूँ, और जब भी मैं प्रैक्टिस मतलब जैसे रेस में रन कर रहा था उससे 2 घंटे पहले समय अपना एक्टिव न्यूट्रिशन स्टार्ट करता है, मतलब मेरे को रेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन जो होता है इसलिए केला खाना है, इडली सांभर खाना है, डोसा खाना है 2 घंटे पहले है ना, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टोर करता हूँ, मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखता हूँ, मतलब उस एनर्जी से हम पहले भाग लें, उसके बाद मतलब जब वो एनर्जी रहेगी तो फिर रन कर सकते हैं, मतलब मेरे प्लानिंग रहते हैं 2 सोर्स होते हैं एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी और इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जब प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो मैं पहले से उतनी एनर्जी का फूड खा के साथ, मतलब उतनी कैलोरीज उतना कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड कर लेता हूँ अपने फूडिंग में 1 घंटा पहले, मतलब मैं जब रोज प्रैक्टिस करने जाता हूँ मॉर्निंग में 5 AM पे, तो रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं आधी चपाती विद पीनट बटर, आधा केला और कुछ डेट्स खाते जाता हूँ और 1 या 2 ब्लैक सॉल्ट कैप पी जाता हूँ, मतलब उससे क्या होता है ना कि हम खाना जो भी खा के जाते उसकी उसी एनर्जी का हम भाग पाते हैं, मतलब हमको हमारी इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता है, तो हम थकते भी नहीं और अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं, एवरीडे ट्रेनिंग में बेस्ट परफॉर्म करना मतलब मुझे खुद का चैलेंज रहता है कि हाँ मेरे को कल मैंने अगर 50 मिनट में 10 किलोमीटर किया था प्रैक्टिस में तो आज कम में करेंगे, ज्यादा में नहीं करेंगे, ज्यादा में करा मतलब फिर वापस 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ज्यादा करना,
ज्यादा टाइम में नहीं करना है उसको, कम टाइम में करना है। रोज प्रैक्टिस में भी पर्सनल बेस्ट, जब तक हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो इवेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो दो सोर्स बना लिए थे, इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पूरी रेस को रन करना मैंने प्लान किया था कि जितनी भी रेसेस रन करूंगा उस दिन से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी पर रन करूंगा, मतलब जितना खाया है उतना ही भागना है। मतलब बॉडी की एनर्जी यूज नहीं करना है कि मतलब नहीं खाना नहीं है और हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है खा के, खाना तो है, थोड़ा खाना है, थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहना है, उसको हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी और हम मतलब उस समय उसका यूज भी कर पाएंगे एक्चुअल, और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जब हमारी बॉडी में टोटल ऑफ एनर्जी अच्छी रहेगी तो हम अच्छा रन कर पाएंगे। बहुत ही, और ये बहुत लॉजिक वाली बात है, आप बहुत सही चीज बोली आपने कार्तिक, क्योंकि एक तो छोटी छोटी चीजें जो हम फेलो रनर्स से सीखते हैं, जैसे आपने बताया प्रवीण जी ने कुछ बताया आपको, थोड़ा सा टुकड़ा लो और जो इंस्टेंट एनर्जी दे देगा आपको केले की, तो ये चीज है ना, ऐसे ही छोटे छोटे नुस्खे हम फेलो रनर्स से, जब आप भागते हो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो या फिर किसी के साथ आपको सपोर्ट मिल रहा होता है, तो बहुत ये इन चीजों का काफी फायदा होता है, एक कम्युनिटी में रहने का काफी फायदा होता है। तो कार्तिक हम लोग ना एक बीच में क्वेश्चन ले लेते हैं। सो प्रभाकरन सर का एक क्वेश्चन है, इफ ओके, सो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग ड्यूरिंग अल्ट्रा फॉर्मेट्स लाइक बैकयार्ड अल्ट्रा, तो आप बीच में नींद का कैसे ध्यान रखते हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जो बिल्कुल अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है उसमें? मैम क्या हुआ था ना कि नींद के बारे में, कि भागते वक्त नींद आती है, वो मुझे 2018 में मल्लाड अल्ट्रा में पता चला था, जब मैंने उसमें 110 किलोमीटर रन किया था, तो मेरा सबसे स्लो और सबसे फास्ट रिकॉर्ड था, मतलब एक्सपीरियंस नहीं था कि इतना कैसे भागते हैं वो, तो ट्रेल में इतना डिस्टेंस कैसे भागते हैं। तो रात के 2 बज रहे थे और मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मैं वॉक करते करते भी सो रहा था, तो उस समय मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअल में करूँ। तो CTC है, चेन्नई ट्रेकिंग क्लब, उसके मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि कंटिन्यूअसली भागते रहो और हमारे साथ चलते रहो, मतलब कुछ करना नहीं है। तो उस दिन पता चला कि भागते वक्त नींद आती है, उसके पहले नहीं पता था कि भागते वक्त नींद भी आ सकती है। तो जब मेरे को बैकयार्ड अल्ट्रा के बारे में पता चला, एक प्लान किया कि इतना भागने में नींद तो जरूर आएगी, और आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जब जब मेरे इवेंट रहे, जब जब मेरी रेस रही, मेरे को एक रात पहले से नींद आती ही नहीं। तो उसके लिए मेरे को पहले नींद आएगी भी नहीं और अब मेरे को जगना भी ज्यादा, अब कोई डेफिनेट फिनिश लाइन भी नहीं है कि कितने घंटे चलेगी और कब फिनिश होगी, कितना डिस्टेंस है। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक मेरे को नींद नहीं आएगी तब तक तो मैं अच्छे से रन करूंगा, और जब नींद आएगी वह लगेगा कि टाइम कम है तो स्प्रिंट करके फिनिश कर लूंगा, और लगेगा कि हमने लूप स्टार्ट किया है और हमारे पास 55 मिनट से ज्यादा टाइम है। तो उस समय मैं क्या करूंगा ना कि एक 5 मिनट का नैप लूंगा। तो मैंने जब मेरे 24 घंटे हो रहे थे ना, तभी मैंने प्लान कर लिया था कि मेरे को सोना एग्जैक्टली कहाँ पे, मैंने एक हनुमान मंदिर पहले से डिसाइड कर ली थी वो लोकेशन, कि रात में अगर नींद आएगी तो वेन्यू पे नैप नहीं लेना, नैप वेन्यू के आउटसाइड लेना, वेन्यू पे तो सब बोलते रहेंगे चेयर करेंगे तो वहां पे नींद रेस्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा अच्छे से, और जो स्ट्रेटेजी वो भी फेल हो सकती है। तो मैंने वेन्यू के बारे में, हनुमान मंदिर था मतलब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में, वहां पे मैंने अपना एक लोकेशन प्लान कर ली कि हर 5 से 7 मिनट का नैप यही लेना हर लूप में, मतलब और उसके बाद पूरा मतलब अच्छे से 4:34 बिलो 5 के सारे किलोमीटर रन करके वहां पे पहुंचना और 5 मिनट वहां पे भी बचाना, तो सारे जितने भी लूप थे वो बिलो 5 मिनट के थे, मतलब 5 से 7 मिनट का रैप में वेन्यू पे कर रहा था और 5 मिनट का रैप में वेन्यू का आउट कर ले रहा था आफ्टर 24 आवर्स के बाद में, मतलब मेरे लिए इजी हो रहा था, मतलब बॉडी रेस्ट भी कर रही थी और रन करना भी इजी हो रहा था, मैं एंजॉय करके रन कर रहा था, फास्ट भागने से कैलोरीज भी कम बर्न हो रही थी, तो क्या था ना कि मैं कम रेस्ट में भी बॉडी को रिकवर कर रहा था। और वहां पे मतलब बैकयार्ड अल्ट्रा में टीम संचेसर और बाकी सारे रनर्स भी थे, तो मतलब मैं संचेसर में हूँ, मतलब वहां से और नई चीजें सीखने के लिए मिली कि भागते वक्त और क्या क्या करने की जरूरत होती है, एक्चुअल में क्रू कैसा होना चाहिए वो प्रवीण कुमार सर ने मेरे को बताया, उन्होंने ही मुझे क्रू करा था। हाँ 20 घंटे के बाद प्रवीण कुमार सर ने मेरे को क्रू करा था, 20 घंटे से 39वें घंटे तक, नहीं 38वें घंटे तक उन्होंने क्रू करा था, और 39 आर मुझे हेमंत बेनीवाल सर ने क्रू किया। तो मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली कि एक्चुअल में और क्या क्या करना है मुझे,
और क्या क्या नई चीजें करने की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है, एनर्जी कैसे बचाना है, और नींद आएगी तो उस समय और क्या क्या करना है, तो फिर इसमें मेरे को बाकी सारी चीजें बताई जाएंगी। और मैं क्या कर रहा था ना कि 5 मिनट का वो नैप और था, मतलब 12 से 13 मिनट का रेस्ट कर रहा था, तो वो रेस्ट सफिशिएंट था। अभी भी जो मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है उसने भी यही चीज बताई कि मैं 7 मिनट का नैप ले रहा था हर मिनट और हर बात, और मेरा उनका हर लूप 46 मिनट से कम समय का था, तो उनके पास रेस्टिंग ड्यूरेशन ज्यादा था। रेस्ट अगर अच्छा हो रहा है ना, आप हर लूप को इजीली फिनिश कर पाओगे। यही स्ट्रेटेजी, ये मैंने पहले यूज किया था, और उन्होंने मतलब ये जब स्ट्रेटेजी की तो मैं इससे कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। अब इसमें कुछ अपडेशन आने होंगे, कुछ अपडेट करना होगा कि और क्या अच्छा किया जा सकता है इसको करके। अभी 30 जनवरी को वापस बैकयार्ड अल्ट्रा का क्वालिफिकेशन रेस है, तब देखते हैं मैं कितने घंटे रन कर पाता हूँ। अभी तो टाइम है, आप प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे से और इवेंट बहुत अच्छे से होगा आपका, पिछले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, सो उसकी कोई चिंता नहीं है। अभी तो यह है कि मेन चीज है, मेन फोकस जो आप अभी कर रहे हो फिलहाल, अभी कोविड के टाइम थोड़ा जैसे चीजें ढीली हो जाती हैं वो ना हो, तो डिसिप्लिन बना रहे, और अगर वो बना रहेगा तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई थिंक दैट आंसर्ड प्रभाकरण सर। सो आप जिसको भी व्यूअर्स अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं, वी आर ऑन, हम लोग बिल्कुल क्वेश्चंस भी ले लेंगे, और कार्तिक विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। एंड कार्तिक, अगर मैं आपसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बारे में पूछूं, जैसे आप अल्ट्रा रनिंग के लिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो अपनी रोज सेशंस में, तो उसमें आपका सेशन का ड्यूरेशन कितना रहता है रोज प्रैक्टिस करने का, आप कितने टाइम ट्रेनिंग रोज करते ही हो, और उसमें भी ऐसा होता है कि और कितने गैप्स जो रेस्ट लेते हो मंथ में, कितने रेस्ट वाले डेज होते हैं आपके उसमें, और इस चीज में हाँ जी आप पहले ये आंसर कीजिए। मैं क्या करता हूँ ना, एक मतलब इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को एक्चुअल में ट्रेनिंग कैसे करना है। जैसे अगर बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक उस इवेंट में रन करना है तो मैं अपना माइलेज भी बढ़ा देता हूँ, मतलब 2 या 3 मंथ पहले ही अपना माइलेज पे इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर मेरे को 100 बैम्बू अल्ट्रा के लिए प्रिपेयर करना था तो मेरा माइलेज जैसे, या फिर ये लास्ट मैन स्टैंड जिसमें 200 किलोमीटर से ज्यादा रन करना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मैं वहाँ पे है ना अपना माइलेज, जैसे तो मैं 500 माइल्स हर मंथ भागता हूँ, उस समय मैं 600 माइल्स को कर उसमें चेंज कर देता हूँ, 100 माइल्स इंक्लूड करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। और मैं एंड्योरेंस के साथ स्पीड ट्रेनिंग को भी मतलब इंक्लूड करता हूँ कि मैं स्पीड में मैं कैसे रन कर पाऊंगा। अगर मैं एंड्योरेंस कर रहा हूँ उसके साथ स्पीड होगी ना तो कैलोरीज कम बर्न होगी और मैं अच्छे से ट्रेन कर पाऊंगा। तो मेरा 8 दिन का मतलब ऐसा रहता है कि मैं अगर मॉर्निंग में लॉन्ग रन कर रहा हूँ तो इवनिंग में डिस्टेंस कम कर देता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ। जैसे कि एक दिन में मेरा ड्यूरेशन रहता है 8 से 9 घंटे का रोज ट्रेनिंग ड्यूरेशन। मॉर्निंग में 5 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 10-10:30 बजे तक घर आता हूँ, और इवनिंग में 4 से 7:30 तो मतलब रेगुलर का ये ड्यूरेशन है। और जैसे क्या किया था ना, मैं परसों का हम ड्यूरेशन ले रहे तो 32 किलोमीटर मॉर्निंग में था और 7 किलोमीटर इवनिंग में। और ऐसे ही मतलब मैं क्या करता हूँ ना कि अपने वार्म अप स्ट्रेच कूल डाउन इन सब अच्छे से फोकस करता हूँ कि मेरे को कोई इंजरी नहीं हो, अपनी सारी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी टाइम स्पेंड करता हूँ, अच्छे से डायनेमिक वार्म अप करता हूँ, कूल डाउन करता हूँ, क्या होता है ना इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, ज्यादा मसल स्ट्रेच नहीं होते, इजीली हम रन कर पाते। तो अपना ड्यूरेशन 7 से 8 घंटे मतलब 8 से 9 घंटे का रखता हूँ, और अपना मंथली माइलेज 500 से 600 माइल्स का रहता है। अब जैसे दिसंबर में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को स्टेडियम रन भागना है, 100 किलोमीटर भागना है मुंबई में, तो मैं उसके हिसाब से 400 माइल्स का मैंने प्लान किया है, 400 माइल्स पूरे मंथ में रन करना है। और उसको थोड़ा स्पीड मतलब जैसे अगर मैं 75% स्पीड पर रन करने वाला हूँ, 25% ही सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग का, और मैक्सिमम डिस्टेंस सिर्फ 55 किलोमीटर और छोटा भी पूरा मतलब 55 किलोमीटर 2 बार रन करूंगा पूरे मंथ में, और 400 माइल्स का पूरा मंथ का टारगेट है इस नवम्बर टू दिसंबर तक। नेक्स्ट 2 तारीख तक का प्लान है, 5 दिसंबर को 100 किलोमीटर का स्टेडियम रन है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और मैं संडे को अपना रेस्ट नहीं रखता हूँ, बाकी क्या होता है ना कि एक्चुअल में लोग देखते हैं कि हम संडे को रेस्ट रखेंगे या सैटरडे को रेस्ट रखेंगे,
संडे को लॉन्ग रन रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना कि हमारा सैटरडे और संडे को स्पेशल डे में इंक्लूड करो, उस दिन अच्छा से अच्छी ट्रेनिंग करता हूँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद को पुश करना, सारी एनर्जी का यूटिलाइज करना, जितनी हमने कंजर्व कर ली है, जितना हमने न्यूट्रिशन लिया है उसका यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन भी लेता हूँ और उसको फिर अपनी प्रैक्टिस पे यूज करता हूँ। मतलब क्या है ना कि सोचा कि आज 20 किलोमीटर भागना है, तो 20 किलोमीटर को पहले 10 किलोमीटर मेरा फर्स्ट हाफ मतलब हो रहा है आज तक का, और सेकेंड हाफ फास्ट पर है रेसेस में भी और प्रैक्टिस में भी। फर्स्ट हाफ सारे स्लो रहते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि फर्स्ट हाफ को भी फास्ट में इंक्लूड करूँ। तो फर्स्ट हाफ का जैसे अगर मेरे को 20 किलोमीटर रन करना है 42 मिनट्स डिस्टेंस में आया, तो मैं सेकेंड हाफ को ट्राई करता हूँ कि और ज्यादा फास्ट हो। तो अभी दो वीक पहले का डिस्टेंस है, मैंने 20 किलोमीटर रन किया था, फर्स्ट हाफ 43 मिनट्स 44 मिनट्स का था और सेकेंड 10 किलोमीटर था 36 मिनट्स में। मेरा फर्स्ट टाइम मेरा 10 के इतना फास्टेस्ट रहा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर बार खुद का बेस्ट परफॉर्म कर पाऊँ। और मंडे के दिन रेस्ट मैं डिसाइड करता हूँ कि मंडे के दिन क्या होता है ना कि सारे वर्किंग ऑफिस वगैरह सब कुछ चालू रहते हैं, तो मेरा रेस्ट भी हो जाता है, घर पे कोई रहता भी नहीं है और जो भी काम होता है एक्चुअल में वो फिनिश हो पा जाते हैं। अगर मैं संडे के दिन रेस्ट रखूंगा तो मेरे वर्किंग जो ऑफिशियल वर्क है वो नहीं हो पाते, मैं मंडे के दिन अपने रेस्ट रखता हूँ तो उस दिन रेस्ट भी हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है जो मैं करना चाहता हूँ। वेरी लॉजिकल और वेरी करेक्ट, मतलब आपने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है। और हाँ बहुत सही बात है, बहुत सारी चीज और काम अटक जाते हैं सैटरडे संडे अगर कुछ रेस्ट लेना है और नहीं हो पाता, सो मंडे इज द बेस्ट डे। सही है, टुडे इज मंडे। एंड अभी अगर हम बात करें इवेंट्स के बारे में, क्योंकि सारे इवेंट इतने महंगे महंगे होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था करते कि हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इवेंट्स के पैसे भी बढ़ते जाते हैं धीरे 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 ना, तो एक इवेंट में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि आपको आपका डिसाइडेड रहता है कि आपको किस इवेंट में पार्ट लेना है, किसके लिए आप तैयारी कर रहे हो और बहुत पहले से आपको उसका रजिस्ट्रेशन करके और सब कुछ प्लान करके रखना पड़ता है, तो उस केस में जो इवेंट्स होते हैं कार्तिक, उस केस में फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कैसे मिलता है, मतलब अदर देन द स्पॉन्सर्स आपको वैसे फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे मिलता है? मेरे कुछ फ्रेंड्स है जैसे तरंग वाधवानी है, राहुल सर है, ये भी मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि रेसेस में भी एडिशनल न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, विनोद रुनवाल सर है, हरिओम ग्रुप है, जो एडिशनल चीजें होती है ना कि जैसे कि अलग सी क्लॉथिंग हो गई या कुछ स्पेशल चीजें हो गई, वो तो मुझे सपोर्ट भी करते हैं और दिला भी देते हैं और वो पूछते खुद से पूछ लेते हैं कि एक्चुअल में तुमको क्या क्या जरूरत है, किस किस चीज़ की नीड है। बोलता ठीक है मैं बता देता हूँ, मेरे को ये नीड है, मेरे को मतलब लगता है कि हाँ एक्चुअल में इस चीज़ की नीड है तो हम उसे परचेज कर ले या खरीद ले, उससे हम भागने की तैयारी कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है। मैं और नई चीज़ अपडेशन ढूंढता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली मैं यूनिवर्स में एम्बेसडर था, अभी तो मेरा एम्बेसडरशिप खत्म हो गया, मैं एथलीट भी अप्लाई करूंगा, ट्राई करूंगा, तो मैं देखता हूँ कि मेरे को न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना है, तो मैं यूनिवर्स से मैनेज कर रहा था, उसका एम्बेसडर था, तो वो भी किट दे रही थे, तो उससे मतलब ड्यूरिंग रेस काम आने वाली चीजें मेरे को वहां से मिल जाती थी। और बाकी क्या होता है ना कि अभी पाथ इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं रेसेस के, जैसे जाना आना खाना पीना रुकना सब वो स्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत बार मतलब हर दो तीन मंथ में शूज भी दिला देते हैं, बाकी जैसी जो जो चीज की नीड होती है मैं बता देता हूँ, अगर उनको लगता है कि एक्चुअल में हम कर सकते हैं तो वो कर। मैं 13 शूज रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब हर महीने रिटायर्ड हो जाता है और एक साल में 13 पेयर रिटायर्ड हो जाते हैं, तो आप उनको भागते इतने ज्यादा उनके साथ, अब वो क्या करेंगे बेचारे, शूज भी बोलेंगे कि मतलब छोड़ता ही नहीं है मेरे को, तो सुबह शाम रात भागते ही रहता है मेरे साथ, शूज भी कहाँ जाएंगे बताओ। डायनामिकली यूज करता हूँ, मतलब एक दिन में दो शूज को अलग अलग टाइप की यूज कर लेता हूँ, तो मतलब उनका ड्यूरेशन बच जाता है, दो शूज दो मंथ चल जाता है, फिर ड्यूरेशन तो यही है एक शूज चलेगा, इसीलिए एक साल में शूज रिटायर्ड हो जाते हैं। और बाकी पर ये भी होता है ना कि इवेंट में आपको जिस शूज में भागना है उस शूज के साथ भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो आप उन शूज के साथ भी प्रैक्टिस करते रहते होंगे, ऐसा भी होता होगा मतलब मतलब आज तक मेरे को मतलब बस एक ही चीज समझ में नहीं आई, सब कहते हैं नए शूज में नहीं भागना चाहिए, मैंने आज आज तक मतलब 5 रेसेस भागी है, 5 नए शूज में भागी है, एक बार भी मैंने उसमें ट्रायल नहीं किया है और उसी शूज में मैंने परफॉर्म किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि नए शूज में नहीं भागना है।
या तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी टोज में या फुट में, तो वो सबको गलत चीज बता रहे हैं। एक्चुअल में मैंने मतलब आज तक 5 रेसेस भागी है, उसमें मेरे को 5ों में मैंने अलग अलग शूज यूज भी किए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरा पर्सनल बेस्ट परफॉर्म किया। मैंने बैकयार्ड अल्ट्रा में भी ये यूज किया है, इस बैकयार्ड अल्ट्रा में भी यूज, ट्रेलाथॉन में भी यूज किया है, हैनर बैम्बू अल्ट्रा में भी यूज किया है मैंने, मतलब सारे बड़े बड़े इवेंट में नए नए शूज यूज किए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ब्लिस्टर्स का प्रॉब्लम है वो तो लॉजिकली हो गई इतने बड़े इवेंट में, तो उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट वो नए शूज में रन करना परफॉर्मेंस इजीली हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नए शूज का भी ये होता है ना, जैसे डिपेंड करता है देख सबके पर्सन टू पर्सन पे, कि जैसे मेरे को कोई शू सूट नहीं कर रहा, कोई शूज क्या मतलब, जैसे नॉर्मली स्लीपर्स भी होती है जो सूट नहीं कर रही होती है, किसी लोगों का फ्लैट मतलब फ्लैट फुट होता है, कहीं फुट साइज बड़ा होता है या आगे टो बड़ा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि सूट ना करे, और आप सीधा एक्सपीरियंस जाके आप निकाल रहे हो रेस डे पे, तो रेस डे के साथ ज्यादा खेलना नहीं चाहिए ऐसा सोच के लोग शायद नहीं पहनते तो। पर अच्छी बात है, देखते मतलब इट वर्क्स फॉर यू, अच्छी बात है। एक्चुअल में क्या होता है ना, शूज को समझ के और स्टडी करके लेना चाहिए। सब क्या करते हैं ना कि इसका कलर अच्छा है तो ये वाला शूज ले लिया, ये इसका डिजाइन अच्छा है तो ये शूज ले लिया। एक्चुअल में आपका फुट कैसा है, फुट का एनालिसिस, एक ही बार फुट का एनालिसिस करा लो, उस एनालिसिस के हिसाब से आप शूज परचेस करो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप क्या करते हैं ना कि कलर और डिजाइन देख के शूज ले लेते हैं। क्या होता है ना, अगर हम कलर और डिजाइन देखेंगे या शूज देखेंगे कि हाँ ये मार्केट में नया है, इसमें ऐसा ऐसा है, तो हम अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे? हमको या तो कलर और डिजाइन को हटा दें, हम शूज और हमारे एनालिसिस पे ध्यान दें, तो अच्छे से हम रन कर सकते हैं और करेक्ट शूज हमको मिल सकता है। हमारे यहाँ पे मतलब सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि एक्चुअल में शूज कैसा लेना है, हमारा प्री रन न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, पोस्ट रन न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। क्या होता है ना, कहीं इंडिया के बाहर किसी भी एथलीट को या किसी अल्ट्रा रनर को प्रिपेयर करते हैं या कोई ट्रेनिंग एकेडमी में कोई ज्वाइन करता रहना, बिगिनर्स को ज्वाइन करते हैं, उनको फर्स्ट वीक वो हमेशा मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि तुमको भागते वक्त कैसे रहना है, तुमको भागते वक्त क्या पूछना है। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे तो वो क्या होता है, फर्स्ट इंसान कोई रनिंग करने आता है और एक साल बाद वो सिखाने लग जाता है, वो खुद भी पूरा नहीं सीख पाता और दूसरों को सिखाने के चक्कर में कभी मतलब जो सीखना था वो भी भूल जाते हैं और अच्छे से नहीं सीख पाते। तो हमेशा से मैं तो यही सोचता हूँ कि सीखते रहो, रोज सीखते रहो और खुद को मेंटली प्रिपेयर रखो, योगा रोज करना चाहिए, मेडिटेशन करते रहो, स्ट्रेच अच्छे से करना चाहिए, भागते वक्त की हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सारी चीज को स्टडी करके परचेस करना चाहिए। अगर हम शूज भी परचेस करें तो स्टडी करके करें, और हम न्यूट्रिशन करें तो प्लानिंग करेंगे हमको न्यूट्रिशन कैसा लेना है। एक्चुअल अगर हमको रोज 1200 एक नॉर्मल पर्सन का रोज एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है जो सिर्फ ऑफिशियल वर्क करता है उसको 2700 से 3000 कैलोरीज की जरूरत होती है और 55 to 60 ग्राम प्रोटीन की एवरीडे रिक्वायरमेंट होती है, तो इतना तो मतलब एक नॉर्मल पर्सन ले ही नहीं पाता है। तो वो बोलते ना कि हम बीमार हो गए, हमको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, वीकनेस है, उसका सिर्फ यही कारण है। तो हमें क्या सब कुछ प्लान कर लेना चाहिए पहले से कि अगर मेरे को 3000 कैलोरीज लेना है, रोज का इंटेक करना है, एक नॉर्मल पर्सन को 3000 लेना है तो उसको प्लानिंग करना चाहिए कि उसको क्या क्या खाना होगा, किस चीज से कितनी कैलोरीज मिलेगी, कितना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, दिन भर में कितना पानी पीना है और क्या क्या चीजें एक्चुअल में खानी है। जैसे कि मैं अगर मैं प्लान करूंगा कि मेरे को 4000 कैलोरीज खाना है, कैलोरीज का फूडिंग मैनेज करना है, उस हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ कि अगर मैं जब भागूंगा तो मेरी इतनी कैलोरीज बर्न होगी, तो मुझे इतना इतना इतने जेल्स लेना पड़ेंगे, इतना सॉल्ट कैप लेना पड़ेगा, इतना कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम मुझे क्या खाना है उसकी भी प्लानिंग मेरे को पहले से करके रखना होगी, तो ही मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ। क्या होता है ना कि लोग समझते हैं कि प्री रन और पोस्ट रन एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, उनको यही पता होता है कि स्प्राउट्स खाना है और बस अच्छा से अच्छा फूडिंग खाते रहना है। और ये सब चीजें कार्तिक एक्सपीरियंस के साथ ही आती है कि जैसे आपने बोला कि शूज कैसा लेना है, क्या क्या उसके डायमेंशन होने चाहिए, क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए एक शू को लेने से पहले, कलर को छोड़ के वो सब चीजें मतलब बात की बातें हैं सेकेंडरी, तो वो सब चीजें ना एक्सपीरियंस से ही आती है। जैसे आप एक रनर हो, स्टार्टिंग में आपने रनिंग स्टार्ट की थी तब आपने इतना दिमाग नहीं लगाया होगा, इतना नहीं सोचा होगा, फिर धीरे धीरे जब पता लगा कि दिक्कतें कैसे बढ़ जाती हैं या मतलब क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जब आपने स्टडी करना चालू किया एक एक टॉपिक को, तो
आई थिंक आप बहुत सही बोल रहे हो, उस चीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है. आप कोई भी चीज परचेज करते हो उससे पहले, और जब आपको दिख रहा है कि आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वो चीज, आप ऑब्वियसली आप रनर हो तो आपके लिए शूज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, एक अच्छे शूज, तो आप स्टडी करो उन्हें पहले और फिर लो, रैदर देन बाइंग इट जस्ट कि कलर अच्छा है ले लो. तो अच्छी बात है कार्तिक, के बहुत. मैं एक काम करती हूँ, मैं एक कुछ क्वेश्चंस और ले लेती हूँ यहाँ से, कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं. प्रवीण सर बोल रहे हैं कि लास्ट मैन स्टैंड के समय कार्तिक ने कोई जेल या रेडीमेड चीज नहीं ली, जेल या रेडीमेड चीज नहीं ली, उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि मैंने मतलब इसके पहले यूज नहीं किया था, तो मैं एक्सपेरिमेंट करने पे इंटरेस्ट नहीं रखता. मतलब मेरी थिंकिंग यही थी कि मैंने जो अभी तक यूज किया है उसी बेसिस पे मेरे को रन करना है, और मैंने सोचा था कि अगर मैं रेडीमेड चीज लूंगा तो अच्छा या तो मैं नेचुरल चीज लेके रन करूँ ना, कि मतलब या तो मैंने केला खा के भागा है या मैं दलिया खा के भाग लूँ, राइस खा के भाग लूँ, तो वो इजी होगा. सूप पीता रहता हूँ तो उससे क्या हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा, और अगर मैं रेडीमेड चीजों का यूज करूंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा. नेचुरल चीज जल्दी डाइजेस्ट हो सकती है, तो मैंने वो प्लान किया कि जो जल्दी डाइजेस्ट होगा वो खाना है. जंक फूड को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने वही किया. जेल्स का मैंने मतलब उसके पहले इतना यूज नहीं किया था कि मतलब डे नाइट में कैसे यूज कर सकते हैं और कितने घंटे के बाद यूज करना है, तो मैंने उस समय इसलिए जेल्स को अवॉइड किया. मतलब मैंने उस समय कोई भी मतलब एक्सटर्नल चीजों का यूज नहीं किया, सारी ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें का और जो खुद से बनी हुई चीज है उसका यूज किया, तो ईजी हो रहा था. मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं किया कोई नया, जैसे जैसे हम शूज की बात कर रहे थे अभी कि शूज में जैसे कुछ लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते नए दिन, उसी दिन उसने जेल्स का पहले से कभी यूज करके भागा नहीं वो, तो उसने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया. तो ओके, सो आप नेचुरल टाइम पे डे नाइट फॉर्मेट यूज नहीं किया, जैसे कि क्या था ना कि मैंने 12 घंटे या 50 किलोमीटर की रेसेस में यूज किया, बट मैंने है ना क्या किया था को डे नाइट फॉर्मेट में यूज नहीं था कि इतने लंबे ड्यूरेशन तक उसको यूज कैसे करेंगे एग्जैक्टली, किस घंटे में उसका करना है, कब उसका इंटेक करना है, वो मैंने उस समय मेरे को पता नहीं था, तो मैं प्लानिंग भी नहीं कर पाया. तो अवॉइड करूंगा उसकी जगह कोई दूसरा लेंगे एनर्जी का, क्योंकि नेचुरल और इजी हो, तो मैंने उस जगह लेमन का यूज किया था थोड़े समय तक, जब तक मॉर्निंग ऐसे डार्क होने लगा मैंने लेमन अवॉइड कर दिया, क्योंकि खट्टा खाने से नींद आती है. जितनी भी सॉल्टी तो नाइट में अवॉइड कर दिया, और सूप का इंटेक रात के लिए प्लान किया, फिर रात में क्या रहेगा थोड़ा कोल्ड रहेगा तो हम सूप पीते रहेंगे, हॉट टमाटो सूप, तो उससे बॉडी पे हाइड्रेट रहेगी और इजी टू इंटेक रहेगा, डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा रहेगा, और अच्छा मतलब भागने में आसानी रहेगी, थोड़ा गर्म पीते रहेंगे तो बॉडी वार्म करती रहेगी. ओके, तो ओके, राहुल बोल रहे हैं प्लान टू ऑक्शन दो शूज कार्तिक जोशी. आपके जो सारे शूज है ना जो आप बोल रहे हो 13 जोड़ी मेरे खराब होते हैं साल भर में, उन वो जूते ऑक्शन पे लगाए जाएंगे अब, ठीक है? वो आप फेंकना मत, उन्हें हम ऑक्शन पे लगाएंगे. मेरे पास मतलब कहता है ना कि वो कंटेनर नहीं आता बैक कंटेनर, वो दो कंटेनर भर के शूज है, मैंने आज तक नहीं फेंके अपने, मतलब मैंने जिसके साथ मेहनत की है तो मैं उसको कभी भी मतलब फेंकना नहीं चाहता, संभाल के रखना की इच्छा रहती है हमेशा से. बहुत बढ़िया, अच्छी बात है. तो कार्तिक, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, पिछले जो 8-10 महीने बीते घर में, उसमें आपने अपने आप को कैसे तैयार किया था? मतलब ट्रेनिंग तो चलो हमें पता है आप कैसे करते हो, दिन रात आपने सब बता दिया. आपने कोरोना के टाइम जो आपको पता लगा एकदम से कि ओ अब तो लॉकडाउन होने वाला है, अब तो बाहर भी नहीं जा पाऊंगा मैं, बिल्कुल एकदम ही घर से घर में रह के जेल में ही घर में रहना है, मैं बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, और घर में ट्रेनिंग का मतलब है कुछ भी कुछ नहीं हो सकता घर में, तो ना तो स्टार्टिंग के 1-2-3 महीने तो हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले. हम धीरे धीरे लॉकडाउन जब खुला, जब धीरे जाना चालू हुआ बाहर, तो तब मेंटल स्टेट आपकी क्या थी जब आपने कि आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, एकदम से लॉकडाउन हो गया और सब कुछ एकदम से ऐसा पॉज लग गया कि शिट अब मैं क्या करूंगा, तो तब क्या रहा था मेंटल स्टेट आपका, और फिर आपने कोरोना में कैसे अपने उस लॉकडाउन में खुद को प्रिपेयर करा और तैयार किया, कैसे की फिर मतलब ट्रेनिंग? हाँ, क्या हुआ था ना कि जब लॉकडाउन लगने वाला था, जिस दिन इंदौर में लॉकडाउन लगा था उसके 2 दिन बाद ही मनाली जाने वाला था ट्रेनिंग के लिए. मतलब एक महीने का मेरा प्लान था कि मैं एक महीने वहीं प्रैक्टिस करूंगा, बैकयार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा था. मैंने सोचा था कि मैं अक्टूबर तक कोई भी इवेंट ऑफिशियली इवेंट रन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा अच्छे से. तो लॉकडाउन लगा तो
सबसे पहले तो मैं डिप्रेस था कि मैं कैसे करूंगा यार, तो लॉकडाउन में लग गया, इतना लंबा ड्यूरेशन था, भागने की प्रैक्टिस करना घर में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और इतनी स्पेस भी नहीं है। तो फिर एक दो दिन सोचा, मैंने सोचा कि ना करें, कर सकते हैं, पूरे घर के सारे रूम को यूज कर। तो मैंने सारे मतलब घर के दो रूम्स और स्टेयर्स और बाहर का यार्ड सबको यूज कर 210 मीटर का एक राउंड बनाया, सारे स्टेयर्स वगैरह से ऐसे जाते हुए, और उसी में मैं प्रैक्टिस करता था। तो मतलब प्लान किया कि 15 से 21 किलोमीटर रोज रन करना है और अपनी सारी माइनर स्टेट पे वर्क करना है। मतलब कैसे, मेरे को रिब्स का प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने कोर के लिए अच्छे से प्रैक्टिस की, ट्रंक एरिया के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, सारा लेग स्ट्रेंथ अच्छे से प्रिपेयर किया कि भागते वक्त पैर भी नहीं दुखेंगे और रिब का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम क्लियर कर पाए, उसके लिए प्रिपेयर किया और घर में ही रन करना स्टार्ट किया। तो 3 महीने में मैंने 1346 किलोमीटर 48 किलोमीटर रन किया, और मतलब फिर मेरे को लगा कि हाँ अपन ने चलो कुछ तो किया, मतलब कुछ नहीं करने से कुछ करना सही था। तो मैंने बोला माइलेज ठीक है कम हो गया, बट हमने कर लिया, मतलब हमारी बॉडी बैकअप पे नहीं गई, हमने उसको रिकवर रखा है। मतलब वो फ्रंट बॉडी मतलब फ्रंट लेवल पे ये कि मतलब हमने जहाँ से फिनिश किया था हम वहीं है, हमको मतलब ज्यादा करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। तो जिस दिन अनलॉक हुआ मतलब कि हाथ में बाहर जाना स्टार्ट कर सके, तो सभी ने ग्राउंड जाना स्टार्ट किया, बट मैं ग्राउंड पे नहीं जाता था। मैंने सोचा कि हम हाईवे साइड पर रन करेंगे, किसी से हम टच नहीं आ पाएंगे और प्रिकॉशंस भी अच्छी बात है, तो प्रिकॉशन है और अकेले प्रैक्टिस करते हैं। मैं वैसे मैं किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, जैसे क्या होता है ना कि अगर मैं किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगा, अगर मैंने आपके साथ प्रैक्टिस की, आपने बोला कि यार कार्तिक आज नहीं हम कल कर लेंगे, आज घर का गेस्ट आने वाले हैं, आज मेरे को वर्क है, तो आपका जैसे ही बोलना होगा ना कि आज नहीं यार कल कर लेंगे, तो मेरे को भी लगेगा यार पर आज मैम नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जाता हूँ, कल कर लेंगे। इसलिए मैं बस अकेले प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैंने कि मैं अकेला प्रैक्टिस में जा पाऊंगा और जितना सोचा उतना करूंगा। अगर मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपके पेस में भी भागना पड़ेगा, आपका ध्यान भी रखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर भाग रहे हो या आगे पीछे तो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। इसलिए मैं हमेशा से मतलब 2-3 सालों से अकेले ही प्रैक्टिस। Oh, good, nice. तो ठीक है, तो जैसे आपने लास्ट मंथ स्टैंड इंडिया जीता, उसके बाद आपने यूएस की आपको टिकट मिल गई और आपने सोचा कि अब मैं बैकयार्ड के लिए तैयारी करना चालू कर दूंगा। फिर लग गया कोविड, कोरोना का लॉकडाउन, पर आपकी तैयारी चालू रही, जैसे भी आप घर में प्रैक्टिस करते रहे। जब तो ये होता क्या है, जब अल्ट्रा रनिंग में आपको पता होता है डिस्टेंस की इतना भागना है, इतनी की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे इवेंट्स जो होते हैं जिसमें आपको नहीं पता कि डिस्टेंस कितनी है ना, क्योंकि आपको एंडलेस भागना है, आपको लास्ट मैन स्टैंड इंडिया का मतलब है आपको आखिरी इंसान रहना है, आपको नहीं पता दूसरे की क्षमता क्या है, पर आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे उसके लिए, ये चीजें आप मतलब आप क्या सोच के वो प्रिपेयर करते हो उसके लिए कि मैं क्या डिस्टेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना है, आपको दूसरे से भी अपना बेस्ट देना है, आपको ध्यान में रख के, क्योंकि वो एंडलेस सिचुएशन है ऐसी, वहां पे कोई डिस्टेंस नहीं है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे अलग होती है और रेसेस से। मैं क्या करता हूँ ना कि मैं इसका मैंने बताया ना, मैं अकेला प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अकेले लॉन्ग रन करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है खुद में। मतलब होता है ना कि अगर मैं अकेला अगर फुल मैराथन भाग रहा हूँ ना, तो मैं खुद को 80 किलोमीटर भागने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अकेला प्रैक्टिस करना सबसे पॉइंट है ऐसे रेसेस में प्रिपेयर करने के लिए। मैं हमेशा से मतलब जब अकेला कर रहा था तो मेरे लिए इजी था, तो जब बैकयार्ड आया तो मेरे को पता चला कि भागना पड़ेगा, कोई एंड नहीं है। तो सब जब मैं मतलब वहां पे पहुंचा तो मेरे को पता है कि इतना ज्यादा रेस नहीं चलेगा, तो मेरे को पता था एक्चुअल में तो मैं प्रिपेयर करके गया था 60 घंटे। मैंने सोचा कि हम एक बैचलर लेवल पे सोचते हैं कि कितना चल सकती है रेस, ना तो मैक्सिमम सोचते हैं ना मिनिमम सोचते हैं, हम एक बैचलर लेवल पे सोचते हैं कितना एक्चुअल में रेस चल सकती है। तो मैंने सोचा 60 घंटे रेस चलेगी, हम 60 घंटे के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि 60 घंटे हमको कैसे भागना है। तो क्या करता था कि दिन में 1 घंटा का रेस्ट, फिर रन करके आना, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर रन करके आना, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर रन करके आना, मतलब खुद को थकाना भी है और रन भी करना है हर घंटे। तो मैं ऐसा प्लानिंग करता था कि 1 घंटे का रन, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर 1 घंटे का रन, फिर 1 घंटे का रेस्ट। मैंने ऐसे 2-3 बार रन करा। जब इवेंट मतलब बैकयार्ड 25 जनवरी को था, मैंने 3 जनवरी को फ्राइडे था, उस दिन मैंने 100 माइल्स का अकेले रन किया, वो इंक्लूड पे था, अपहिल डाउनहिल दोनों इंक्लूड। तो मतलब वहां पर मेरे सिर्फ 2 फ्रेंड को मैंने टेंट लगा के वहां पे मैंने बोला कि तुम यार हो, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो,
और यही मेरा हाइड्रेशन स्टेशन होगा। वहाँ पे इंदौर के पास में एक प्लेस है बाचू पॉइंट, वहाँ पे 1000 मीटर का एलिवेशन है, मैंने 1000 मीटर के एलिवेशन पे रन किया 100 माइल्स, मतलब 9 किलोमीटर डाउन है और 9 किलोमीटर अप है, मतलब एक बार नीचे जाके ऊपर आओ तो 18 किलोमीटर हो जाता है। मैं प्लान करता था कि पूरा नीचे जाना है और पूरा ऊपर आना है, तब मेरा एक लूप फिनिश होगा। तो मैंने वहाँ पे 100 माइल्स का ट्रैक प्रिपेयर किया कि वो कितने लूप्स लगाना पड़ेंगे और कैसे। तो मैंने 23 घंटे 43 मिनट के आसपास मैंने 100 माइल्स रन किया वहाँ पे उस ट्रेन का, मतलब एलिवेशन पे। और मेरे को अब लगा कि हाँ मैं अकेले रन कर सकता हूँ, इतना वो इजी होगा। और अकेले में क्या होगा ना कि हर घंटा रेस स्टार्ट होगी तो मैं बोर नहीं होगा, मेरे को टाइम बचाने की हरी रहेगी कि मेरे को कैसे अपना टाइम बचाना है और सब कुछ कैसे मैनेज करना है, तो उसमें मेरा टाइम भी निकल जाएगा। और मैंने सब एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं भागते वक्त जिस टाइम रात में हो जाएगी और रनर्स जब कम हो जाएंगे तो अकेले भागना पड़ेगा तो टाइम पास भी नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि मैं दोस्तों से फोन लगा के बात कर लूंगा भागते भागते। तो जब अरावली गया तो पता चला यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और गाने सुन नहीं सकते थे, मतलब सर ने बताया था कि गाने नहीं सुन सकते। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला ठीक है। जब नेक्स्ट डे हुआ 30 घंटे हो गए थे, मैंने सर से पूछा कि सर गाने सुन ले, बोले हाँ सुन सकते हो पर एक कान में लगा के। मैंने बोला अरे एक कान में लगा लेंगे तो फिर तो दुनिया दिख जाए, तो बोलते अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है एक कान में तो लगा लेना, बोले हाँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा सॉन्ग के रिदम पे रन करता हूँ, तो पहले सब आगे चले जाते थे और मैं बिल्कुल स्टार्ट हमेशा मैं अपना वॉक से करता था और भाग के फिनिश करता था कि मेरी बॉडी उस समय एक्टिव रहे। तो मैं वॉक करके स्टार्ट करता था, पहले 1.5 किलोमीटर वॉक करता था और जाके 5 मिनट का रेस्ट करता था जो हनुमान मंदिर का रेस्ट प्लान किया था। और वहां से जब मेरा पूरा टाइम होता था तो 25 मिनट हो जाते थे पूरे, उसके बाद पूरा स्प्रिंट करके फिनिश करता था जब टाइम होता था 48 मिनट से 50 मिनट, जब मेरा लूप फिनिश होता था वहां जाके फिर 7 मिनट 8 मिनट का रेस्ट मिलता था और 2 मिनट में पहले जाके कोरल पे बैठ जाता था कि सबसे हंसी मजाक करते रहते। सब क्या होता है ना कि लोग स्ट्रेस लेके रन करते हैं और मैं उसी रन को हंसी मजाक के साथ करता हूँ। मैं हर लूप में कमेंट करते जा रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, फिर उन्होंने जब आखिरी में रन फिनिश हुआ तो बोलते कि मैंने आज तक तेरे जैसा रनर नहीं देखा, मतलब वो सिर्फ स्पॉट पर बात करता कि हाँ कि अभी क्या है एक्चुअल में, कि अगर ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसका नया ऑप्शन निकाल देना है। तो क्या हो रहा था ना कि मैं ना हर लुक को हंसी मजाक के साथ फिनिश कर रहा था। सब क्या कर रहे थे, मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं, आराम से बिल्कुल अपने पेस में स्ट्रेटजी बना के बस चलते जाना है धीरे धीरे। मैं सबको आगे जाने देता था, सब आगे चले जाते थे, मैं फिर उनके पीछे से दौड़ के आता था, उनके पास जाके थोड़ी सी बात करी, फिर उनके पास जाता था फिर जाके थोड़ी सी बात करी कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, तू बता दे नहीं मजा तो नहीं आ रहा है, मजे लेने आ गए तुम, बोले तुमको ना मजे ही आ रहा होगा इतना फास्ट फास्ट लूप लगा रहे हो, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो फास्ट लगाने का मतलब यह था बस एनर्जी बचाना और मजे के साथ पूरा रन को फिनिश करना। और सारे रनर से मिलते में आ रहा था ना कि अगर मेरे आगे 4 रनर रन कर रहे तो अगर एक एक मिनट के ड्यूरेशन पे भी सब आगे है तो मेरा मतलब बहुत टाइम निकल जाता था उनके साथ बात करके आगे तक पहुंचना, लूप भी फिनिश मजाक करके और रन भी इजी हो रहा था। तो ऐसे में अपना पूरा टाइम सरवाइव कर रहा था कि उसके लिए प्लानिंग तो इजी रहे, प्लानिंग जो थी कि बात करना है फोन पे वो फेल हो गई थी, तो मैंने दूसरा ऑप्शन उसी से मैं प्रिपेयर करना शुरू है कि हम रनर्स के साथ मजाक करते हुए भागेंगे और इनको पीछे से आगे भागते हुए आएंगे। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ आपने सबको ऐसे झटझट झटझट पीछे छोड़ के जीत लिया है ना। एकदम कि एक एक मिनट का सबको टाइम भी दे देंगे, हमारी बात भी हो जाएगी, टाइम पास भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे रेसिस में टाइम निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, सर्वाइव करना और टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल था। मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं बस भाग सकता हूँ पर उस उतने ही समय को सर्वाइव करना मुश्किल रहता है। तो मैं यही करता था कि 1 मिनट इनसे बात करी, 1 मिनट 5 मिनट की बात हो जाती थी और 5 मिनट का रन भी हो जाता था साथ में, फिर उनसे अगले रनर तक जाने के लिए 2 मिनट रन करना। तो ऐसा टाइम पूरा कैलकुलेशन के साथ भागता था कि इतने मिनट में उनके पास पहुंच जाएंगे और ऐसे बात करके पूरा ड्यूरेशन हो सकता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और कार्तिक फिर आगे के क्या प्लान्स हैं अभी,
अभी जो हुआ बहुत अच्छी तरीके से आपने सब मेंटेन किया, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके दिमाग में? आगे फ्यूचर प्लान है 100 किलोमीटर को सब 8 में अटेम्प्ट करना, और एकेड अल्ट्रा में 100 लूप्स करने का रिकॉर्ड बनाना खुद में। अरे बहुत बढ़िया, एक बार रन करके ट्राई करूंगा कि क्या 100 लूप पॉसिबल है कि नहीं, क्या इतने घंटे भागा जा सकता है। जब मैंने रन स्टार्ट किया था ना, तो मेरी उस समय एक ही लक्ष्य था कि मेरे को ऐसी रेस में भागना है जो स्टार्ट मतलब जो आखिरी तक भागता रहेगा ना वो जीतेगा। तो मैंने उस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर सर्च किया था कि न्यूजीलैंड की फीमेल थी जिसने ऐसा 4 दिन तक रन किया था, बट वो उसमें ना कोई ज्यादा डिस्टेंस था, बट वो रन किया था स्लोली, जॉग करते रहे थे और 2 बार नेचर कॉल के लिए स्टॉप लिया था 1-1, 2-2 मिनट का। तो मैंने उस समय कि 4 दिन रन हो सकता है, पता चल गया कि कोई फीमेल रन कर सकती है तो इतना रन हो सकता है। क्या तो बताया कि जो लास्ट में भागता है ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने उसकी अप्लाई कर दी। इवेंट होने वाला था उसके 3 वीक पहले मेरे को कंफर्मेशन आया, मैंने मतलब अप्लाई किया, उसके 1.5 या 2 महीने तक मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। जब इवेंट होने वाला था उसके 3 वीक पहले मेरे को कंफर्मेशन मिली, तो मैंने बोला ठीक है चलो अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने बोला एक ऑप्शन है जो अपन ने सोचा था वो अपन कर सकते हैं, तो मैं 60 घंटे की तैयारी से करना, फर्स्ट अटेम्प्ट अपन 60 घंटे के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा फॉर्मेट ऐसा था इसलिए ज्यादा रनर्स रन नहीं कर पाए, तो मैं प्लान करता हूँ कि एक्चुअल में क्या कर सकते। तो मैंने सोचा कि स्लो भागना मुश्किल होता है, मैं स्लो भाग नहीं पाऊंगा तो 5 दिन कैसे ट्राई करूंगा। तो प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसा कोई इवेंट देख रहा हूँ जिसमें डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा भागना पड़े और ड्यूरेशन भी ज्यादा हो। नाइस, वेरी नाइस। तो कार्तिक, आपकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है अभी तक और बहुत ही मोटिवेशनल रही है। आप लोगों को, आपने फेलो रनर्स को, या फिर रनर्स हो या ना हो, आप किसी ना किसी तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रहे हो इतनी छोटी एज में। बहुत ही मतलब उम्दा बात है ये, बहुत ही ज्यादा। और आप ऐसे ही बने रहो, इसी तरीके से हैप्पी गो लकी खुश रहो हमेशा, और इसी तरीके से भी झंडे गाड़ते रहो आगे। और आगे जो प्लान्स हैं आपके वो तो इंशाल्लाह होंगे ही पक्के आपके, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी आपका फैमिली है या फिर फ्रेंड्स है या फिर रनिंग सर्कल है, रनर्स जो फ्रेंड्स हैं आपके, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है उन लोगों से भी, आपके साथ वो प्रैक्टिस करते हैं कई बार वो साथ फिजिकली साथ ना होकर भी इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेंथ देते हैं आपको, मेंटल स्ट्रेंथ। तो वैसे आप कोई किसी का नाम यहाँ पे लेना चाहो, या फिर कोई रनर रनिंग ग्रुप किसी को मेंशन करना चाहो, या पर्टिकुलर किसी इंसान को यहाँ पे मेंशन करना चाहो जिसके लिए आप थैंकफुल हो for supporting you and encouraging you on every step, be it in COVID or before COVID, या कभी भी, मतलब किसी कुछ भी आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। सबसे ज्यादा सपोर्टिव मैं हमेशा अपने फादर को अपना पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ, मतलब सभी चीजों में वो सबसे मुझसे भी ज्यादा आगे रह के मेरा सपोर्ट करते हैं। मतलब वो पहले प्लान, मैं अगर बोलता हूँ ना कि मेरे को ऐसा करना है, तो वो ये नहीं बोलते कि कैसे होगा, वो बोलते कब करना है, और सारी मतलब मेरी स्ट्रेटेजी वो प्रिपेयर कर लेते हैं पहले ही कि अगर कार्तिक ऐसा भागाएगा, अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हमको क्या क्या करना है, ये सारी मतलब अलग अलग चीजें मेरे को बताते रहते कि मेरे को एक्चुअल में करना क्या क्या है। मैंने कि लास्ट में स्टैंड में कैसे रन करोगे क्या है, तो मैंने बताया कि या तो स्ट्रेचर होगा या फिर विक्ट्री होगा अगर मैंने 30 घंटे से ज्यादा किया हो, ऐसा बोला। तो वो ऐसा क्यों, तो बोला अब मैं इतना प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ और अगर मैं वहां पे एनर्जी वहां से बचा के लाऊंगा, अगर मैं खुद से चल के आ गया फिर मेरी प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है। तो बोलते ऐसा क्यों, अगर मैंने जितनी प्रैक्टिस की उसका यूटिलाइजेशन करूंगा ना तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी पूरी। तो बोलते अच्छा, तो ठीक है कर, देखते कितना कर पाएगा।
मतलब सारी चीजों में मोटिवेट करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ऐसा करना, तो हाँ चलो करो, मतलब मैं बोलता हूँ कि आज तो मैं 21 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो मेरे पास 21 ही दौड़ा, मतलब वो बोलते हैं, उनका सोचना रहता है कि अगर मैं सोचता हूँ 21 दौड़ूंगा, तो वो सोचते हैं कि मैं 25 दौड़ के आऊंगा, उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे ज्यादा होती है। और मेरे को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले वही सोचते हैं, अगर मैं बोलूंगा ना कि मेरे को भाग रहा, तो बोले हाँ तू भाग लिया। मैं अगर अभी बोल दू अगले घंटे बैंगलोर भेज दो, मेरे को प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो अगले घंटे भेज दे हमेशा। मतलब वो हर पॉइंट पे वो सबसे आगे वो ही रहते, मतलब मेरे को लगता है कि रन मैं करता हूँ, बट पूरा मेंटली पूरी जो स्ट्रेटेजी और सब कुछ रहता है, वो सब मेरे पापा का रहता है उस जगह। तो सारी रेसेस में वो मेरे साथ जाते, मतलब बहुत सारी रेसेस में मेरे साथ जाते हैं, और जब तक मैं भागता रहता वो भी मतलब प्लानिंग करते रहते कि क्या होगा, वो भी नहीं सोचते। अगर उनको लगता है कि अगर 3 दिन चलेगा, तो 3 दिन कैसे जगना, वो खुद भी सोचते जाते कि मैं कैसे जगूंगा, और मेरे को हर घंटे एक्चुअल में और क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या हुआ था ना कि अभी जैसे अहमदाबाद बैकयार्ड अल्ट्रा थी, वो फरवरी में थी, 28 फरवरी को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आगने आना है, उन्होंने मेरे को 2 वीक पहले इनविटेट किया, और उन्होंने मतलब मेरे को बोल दिया था कि तुमको भागना है, तुम अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है बैकयार्ड अल्ट्रा का। मैंने बोला हाँ ठीक है सर, चलो मैं आ जाऊँगा। तो पापा को लेके गया था, और एक अरुण भैया भी थे साथ में। तो हमने प्लान किया कि अगर हम दिन भर भागेंगे, तो वहाँ पे अहमदाबाद में बहुत ज्यादा हॉट था, तो मैंने बोला कि हम रात को भाग के रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि तो थोड़ा कोल्ड हो जाएगा। तो प्लानिंग की, तो जो मेरा हाइड्रेशन मतलब बॉटल था, उसमें पॉकेट भी थी, तो हर हमने ड्राई सीट्स परचेज कर लिए थे, जैसे वो आते ना कीवी वगैरह, ऐसे हमने ड्राई सीट्स परचेज। तो हमने सोचा हर किलोमीटर के हिसाब से एक रखेंगे, तो 6.7 है, तो हमने 7 रखे। मैंने बोला कि हर किलोमीटर, 1 किलोमीटर फिनिश होगा तो एक खाना है, और अगला जल्दी फिनिश करेंगे हम दूसरा खाएंगे, तो जिससे हमको नींद नहीं आएगी। तो हमने गोल रखा था, उसमें ज्यादा रनर्स नहीं थे, और मेरे को पता था कि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं जा पाएगा, मतलब क्योंकि जो रनर है वो उनका मतलब मैंने सुना नहीं था कि वो इतना भाग चुके पहले, क्योंकि बैकयार्ड अल्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले इंसान को थकाते फिर दौड़ाते फिर थकाते फिर दौड़ाते, तो रनर ऐसे इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, और मेरे को पता था कि क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो 17 घंटे वहां पे रेस चली थी, मैंने 17 घंटे में 17 नई स्ट्रेटेजी यूज की कि मैं यूएसए में यूज कर पाऊंगा। मतलब मैंने 29 मिनट में भी एक लूप फिनिश किया है, और 59 मिनट में भी अहमदाबाद में मैंने एक लूप फिनिश किया था। 29 मिनट में फिनिश करके मैंने नहाते देखा कि नहाने के बाद मैं भाग पाऊंगा, और जब 59 मिनट में लूप फिनिश किया, तो मैंने जाके डायरेक्ट जाके कोरल में बैठ गया, मैंने बोला मैं विदाउट हाइड्रेशन भाग के देखा क्या मैं भाग पाऊंगा। तो मैंने सारे 17 घंटे में 17 अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे कि मैं किसको क्या कब और कैसे यूज कर सकता हूँ। तो उस दिन अहमदाबाद में सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे, पापा बोलते कि क्या चल रहा है। मैंने बोला पापा यहाँ पे अपन सीखना है, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे अपन नहीं करेंगे। तो बोलते हाँ ठीक है, ऐसा करो एक लूप मतलब जो लास्ट वाला लूप रहेगा उसको मतलब 40 मिनट के पहले अटेम्प्ट करना। मैंने ठीक है कर लेंगे। मैंने बोला ऐसा करो, तो बोले उसमें पानी मत निकला। मैंने बोला ठीक है। तो विदाउट वाटर उन्होंने लास्ट लूप मेरे को 40 मिनट में फिनिश कराया, मैंने मतलब 38 मिनट में फिनिश हुआ था, 38 मिनट 12 सेकेंड अराउंड। तो बोल रहे थे कि फिर आके मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोल रहे कि अपन ये देखना चाह रहे थे कि अगर तुम यूएसए में एक लूप भाग के आओगे, भाग के अगर तुम 59 मिनट 50 सेकेंड में आए, तो डायरेक्ट आके अगर कोरल में खड़े भी हुए तो विदाउट वाटर कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि वहां पे सपोर्ट भी कर नहीं सकता है जब आप। तो 17th एक्सपेरिमेंट मेरे पापा ने करवाया, मतलब वो हर जगह एक चीज नहीं, मेरे से एक कदम आगे भी गए थे। पापा मम्मी वैसे भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ घर पे पेरेंट्स ही होते हैं हमारे, और अगर फैमिली का सपोर्ट है कार्तिक, तो आप कुछ भी चीज करने से नहीं डरोगे, पीछे से हमेशा आपको लगेगा कि आप स्ट्रांग हो, आप कुछ भी चीज ट्राई कर सकते हो, नई से नई चीज, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा सपोर्ट आपके साथ है। बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं, रनर्स साथ में होते हैं, कुछ लोग टांग भी खींचते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब सपोर्ट ही करते हैं, बहुत सारे लोग जेलिसी रखते हैं और टांग खींचने में ही रहते हैं हमेशा, आपको आपके पीछे कुछ नहीं बोलेंगे, आप सॉरी आपके सामने नहीं बोलेंगे, आपके पीछे बहुत सारी चीजें बोलेंगे जो सुनाई देती हैं। तो क्रिटिसिज्म भी होता है, चलती है, करता हूँ जो बोलते हैं कि इतनी एज में इतना नहीं भागना चाहिए, ऐसा भागने से घुटने खराब होंगे या ऐसा होगा, तो मैं सोचता हूँ, मैं उनको हाँ बोल देता हूँ, मैं सभी के जो मेरे को जैसे समझाता है ना, मैं उसमें हाँ कर लेता हूँ, बट मैं करता वही हूँ एक्चुअल में जो मेरे को करना है। क्या होता है ना, बहुत सारे रनर्स बोलते इतना नहीं भागना चाहिए, अल्ट्रा रनिंग तो 30 साल के बाद करते हैं,
मैंने बोला कि चलो मैं आज ही अल्ट्रा रनिंग छोड़ देता हूँ, आप मेरे को ये समझाओ कि जब मैं आज जो पेस में भाग रहा हूँ, आप 3 साल के बाद ट्रेन खुद करोगी कि मैं इस पेस में भागता हूँ, मैं उस समय इतना कैपेबल होऊंगा कि मैं इतनी स्ट्रेंथ इतने ही मोटिवेशन के साथ यही चीज वापस कर पाऊंगा। मैंने बोला यूएस में भी आज भी इंडिया के अब्रॉड में आज भी मतलब जो टीनएजर्स हैं वो ये डिस्टेंस रन कर रहे हैं, आप सिर्फ इंदौर में देख रहे हो या इंडिया में देख रहे हो तो वो मतलब नहीं, आप एक वर्ल्ड लेवल पे जाके देखो ना कि एक्चुअल में वो क्या कर रहा है। एक 14 साल का लड़का 100 माइल्स रन कर सकता है ब्लैक कैनन इवेंट में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मतलब नेशनल स्टेट क्वालिफाई करने वाला एक 15 साल का बच्चा है। तो मैंने बोला अगर आप डिमोटिवेट नहीं करो तो शायद मैं भी कर पाऊँ। मैंने गलत किया था, तुम गलत मत करना। फिर जब मैं इवेंट बैकयार्ड अल्ट्रा मैंने रन किया और मैं रन करके आया ना, तो वो बोलते कि चलो ठीक है, जो तुम भी कर रहे हो जो भी कर रहे हो अच्छी बात है, बट अपना ध्यान रखना। अपनी माँ के बोल दिया इंसान की मेहनत ही यार उसको आगे लेके जाती है। आप जितना मेहनत करोगे, चाहे वो आप 16 साल की उम्र पे करो या 30 साल या 40 50 80 साल के लोग भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। तो आप जैसे हो कार्तिक वैसे ही रहो और वैसे ही आगे बढ़ते रहो। और मैं एक छोटी सी अपील लोगों से बोलूंगी कि जो भी जिसको जहां लगे जितनी भी सपोर्ट जिस तरीके से कर सकता है, ऐसे लोगों को कार्तिक जैसे रनर्स को जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और सबको प्राउड फील कराते हैं हमारी तरह, तो आप प्लीज झिझको मत ऐसे लोगों की हेल्प करने से। किसी भी तरीके से हेल्प आप करना चाहो कार्तिक को या फिर रनर्स को ऐसे जो जिनका कोई मोटिव है और वो कुछ पाना चाहते हैं आगे जाके लाइफ में, आपके पैसे बहुत सेकेंडरी चीज है उनको हेल्प करने के लिए, बट उनके लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखेंगे उनके कोई भी इवेंट करने में या फिर कोई भी एक छोटी सी छोटी चीजें उनको लेने में या कुछ करने में। तो कार्तिक मैं आपको जितना भी मैं सपोर्ट कर पाऊंगी मैं बिल्कुल करूंगी, और जितने मैं लोगों से बोल पाऊंगी मैं बिल्कुल उस चीज को भी आगे ध्यान रखूंगी। बट मैं सच में रनर्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं हमको घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो पहले मुझे भी नहीं करते थे, मतलब सब बोलते ना फैमिली सपोर्ट नहीं है हमको, मतलब हमारे घर वाले नहीं भेजते इतना बाहर। तो मैंने मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को भी बोलते थे इतने मतलब नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, तो क्या होता ना किसी चीज को अर्न करना पड़ता है। तो मैंने जब रन स्टार्ट किया था तब सपोर्ट नहीं था, तो मैं आज भी सभी को एक ही बात बोलता हूँ कि पहले वो कर लो कि आपके घर वाला कभी भी आपकी मन की चीज करने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि मतलब जो आपने खुद ने डिसाइड किया उसको लास्ट तक ड्रॉप मत करो। जैसे जब मैंने रन स्टार्ट किया था तो घर पे सब बोलते थे कि पढ़ाई करने की जरूरत है, एग्जामिनेशन से और सब कुछ है, तो मैं एक एक महीने प्रैक्टिस में नहीं जा पाता था। फिर जब मैं वापस प्रैक्टिस पे आता था ना, तो फिर वापस वही पूरा स्ट्रेस के साथ जाता था कि मैंने एक महीने क्यों नहीं करा, मेरे घर वालों को पूरी वो कहता ना कि भड़ास निकालता था रनिंग में, तो क्या था होता था ना कि उस समय स्पीड ट्रेनिंग कर पाता, बाकी चीजें कर पाता था। तो जब मैं अच्छा करने लगा तो मेरे घर वालों को लगा कि हाँ एक्चुअल मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज नहीं कर रहा हूँ। तो घर वालों को हमेशा बिलीव और ट्रस्ट दिलाऊ अपने ऊपर कि हाँ कि मैं सही चीज कर रहा हूँ, इसमें अच्छी ही चीज होगी, कोई खराब कुछ गलत नहीं हो पाएगा। तो क्या है ना वो हमेशा सपोर्ट करेंगे, मतलब किसी की फैमिली नहीं चाहती कुछ भी जरा सा भी गलत करे, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो बाकी आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। तो मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को सारे रनर्स को एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो ऐसा तुम ऐसा कुछ कर दो कि अगली बार वो खुद बोले कि हाँ अगली बार कहाँ चल रहा, तुम्हें साथ नहीं चल रहा। करेक्ट। तो यही कार्तिक आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, मेरे पास मच्छर आ रहे हैं काटने बार बार। बहुत ही अच्छा लगा बात करके और बहुत सारी चीजें आपसे जानी कार्तिक। आप अभी बहुत छोटे हो बट मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आगे आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे लोग आपके आसपास आपसे पूछें और कार्तिक सर करते हुए सब बहुत सारी चीजें जाने आपसे सीखे, और ऐसे ही आप बढ़ते रहो जैसे बढ़ रहे हो। अभी आप 19 के एज में इतना कुछ कर चुके हो और भगवान करे आप आगे आने वाले जितने भी साल हैं आप और माइल्स अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करो और आगे जाके बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इंडिया के लिए बनाओ। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर कार्तिक, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, एंड
यू आर द यंगेस्ट जो अभी तक मेरे मतलब इस चैनल पे या शो पे आए अभी तक, और आई रियली होप दिल से कि आप अपनी पढ़ाई में भी और अपने करियर में और हर चीज में झंडे गाड़ो जैसे अभी तक करते आए हो, और सारे लोग आपके साथ और सपोर्ट वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं. यू बी डिसिप्लिन्ड एंड बी यू नो इनकरेजिंग एंड सेल्फ मोटिवेटिंग रहो आप जैसे औरों के लिए रहते हो, और बस इंस्पिरेशन तो आप हो ही. हैट्स ऑफ टू यू एंड अंकल जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, और बस ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं निकलता, बस तारीफें ही निकलती हैं दिल से कि आप जैसे लोग और चाहिए लोगों को, अब अंकल जैसे लोग और दुनिया को और चाहिए, ताकि कार्तिक जैसे और कार्तिक जोशी आगे आ पाए और जो चाहते हैं वो कर पाए. सो हैट्स ऑफ टू यू अंकल, थैंक यू सो मच कार्तिक को आगे बढ़ने के लिए और कभी ना रोकने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू सो मच जोशी जी, कुछ बोल रहे हैं जोशी जी जाते जाते? जब भी कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करो अपना पर्सनल बेस्ट देने के लिए पार्टिसिपेट करो, मतलब वहां पे मतलब अपना पूरा एफर्ट लगा दो, मतलब जितनी आज तक प्रैक्टिस की है उसको परफॉर्म करने का सिर्फ वही टाइम होता है, तो उस दिन अपना मतलब ऐसा या तो आप घुटने पे भी खड़े नहीं, मतलब पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाओ, इतना अपना पूरा एफर्ट उस दिन यूज कर लो. बस अभी मैं एक चीज रिकमेंड करती हूं, अपना सारा मतलब जितना भी आपने यूज किया, जितना भी आज तक ट्रेन किया है, उसको परफॉर्म उसको शो करने के लिए यही देना है. आज आप कर लो, मैं सभी को एक चीज बोलूंगी, अपना पर्सनल बेस्ट हमेशा कॉम्पिटिशन खुद से रखो. जब तक आप दूसरों से रखोगे ना तो आप एक बेसिक स्टैंडर्ड लेवल तक ही पहुंच पाओगे, और जब खुद से कॉम्पिटिशन होगा ना तो एक मिसाल बनाने के लिए खुद को तैयार करोगे. बहुत ही बढ़िया. ए लग रही ना मेरे को 19 ईयर ओल्ड के एक बच्चे से बात कर रही हूँ मैं, पता है बहुत कुछ सीखा हुआ है लाइफ में और अभी तक सेल्फ ट्रेन जिसको बोलते हैं ना, चाहे वो रनिंग से लेके सब चीजों के बारे में हो, हर चीज खुद से सीखी और खुद से आगे बढ़ा है, यही चीजें आगे लेके जाती हैं कार्तिक. तो ऐसे ही रहना और इसी तरीके से ट्रेन करते रहना खुद को हमेशा, एंड गॉड गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आगे के लिए, एक एक रेस के लिए, एक एक चीज के लिए, 12th के बोर्ड्स के लिए, मिस्टर 21 12th के बोर्ड्स के लिए बहुत बहुत आपको विशेस, अच्छे से 12th करो एंड देन बस करो जो करना है. चलो वील टेक अ लीव, बाद में कभी बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल हु आर जॉइनिंग, हु हैव जॉइंड अभी तक, थैंक यू सो मच कार्तिक, थैंक यू.